मेरा थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम केके सैनी है और मैं अभी राजस्थान में जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जयपुर में एक छोटा सा कॉलेज चलता है और आपकी ही तरह मैं भी एक दिन इसी तरह के कार्यक्रम में शामिल होके ये ऐसा कार्यक्रम सुना था और सुन के और मैंने अपने आप को चेंज किया और सीखा। जैसे एक ड्राइवर होता है, उस ड्राइवर को ड्राइविंग करने के लिए बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, वैसे ही मैंने भी सीखा। तो आज का कार्यक्रम कोई मोटिवेशनल नहीं होके हमारे सबके लिए सीखने का कार्यक्रम है। हम फील्ड में छोटी छोटी गलतियों से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, छोटे छोटे कमिटमेंट करने से हमारे बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे हाथ से कई बार बहुत बड़े बड़े लीडर निकल जाते हैं। तो मैं आज जिस लीडर को बुलाना चाहूंगा उनके माध्यम से मैंने भी इस फील्ड के लिए अपने आप के लिए और टीम के लिए जो सीखा और जो छोटी छोटी गलतियां हम फील्ड में करते थे। सर आवाज आ रही है मेरी? अरे सर, आ रही है, बोलिए। यस सर, सर, यस हाँ गलतियां जो मैं रामनिवास जी सर को बुलाना चाहूंगा। सर, वेलकम वर्चुअल स्टेज पे आगे का सर, कार्य। जी सर, जी सर, क्या के सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज हम इस प्रोग्राम में हैं, हम सब लोगों ने आपको मैसेज किया था कि आज इस प्रोग्राम में हमारा एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर का, जो हमारा डायरेक्ट सेलर है नेटसब के, उनका एक प्रोग्राम रहेगा। तो आज यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर मैं अभी देख पा रहा हूँ स्लाइड के ऊपर, पूरे राजस्थान से, तो क्या मैं एमपी से, हमारे गुजरात से, हरियाणा से, दिल्ली रीजन से, अलग अलग हिंदुस्तान के हर कोने कोने से आज हमारा डायरेक्ट सेलर यहाँ पर ज्वाइन है इस मीटिंग में। तो इस वर्चुअल स्टेज के माध्यम से मैं एक बार आप सब लोगों का इस प्रोग्राम के अंदर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी केके सर ने बोला कि बात यहाँ परिचय की भी है और बात यहाँ इस प्रोग्राम की भी है, मैं आज दोनों आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारे प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के लिए हमने आपको मैसेज दिया था कि आज जो हमारे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत सारे लोगों का फोन गया, क्या सर नए लोगों को हम बैठा सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली बैठा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन आज स्पेशली हमारा जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर है, नेटसब के जो डायरेक्ट सेलर है, स्पेशली उन्हीं के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। और उनको भी अगर मैं बात करता हूँ, तो आज उनको बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ से आज मिलने वाला है। क्योंकि अगर मैं इस स्टेज की बात करता हूँ, पहले हमारा ये प्रोग्राम होता था ऑफलाइन, मतलब हम किसी एक अच्छे होटल पे आते थे, वहां पर हम अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाते थे, वहां पर उनका एक ट्रेनिंग सेशन होता था। छोटी छोटी जो हमारी कमियां होती है, उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा अचीवमेंट लेने से हम उसको छोड़ देते हैं, वहां से चूक जाते हैं। तो वो ट्रेनिंग हमारी ऑफलाइन होती थी, लेकिन अभी हम ऑनलाइन के माध्यम से मिल रहे हैं। तो सभी अलग अलग एरिया वाइज हम लोग यहाँ पर ज्वाइन है। तो हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, इस प्रोग्राम को आगे लेके चलूं, उससे पहले एक बार मैं मेरा परिचय आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी मैं देख रहा हूँ कि पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, नए लोग हैं, ज्वाइन तो है लेकिन प्रोग्राम में पहली बार है। तो दोस्तों, मेरा नाम रामनिवास सैनी और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, और मेरा मूल जो प्रोफेशन था वो एडवोकेट का, वकालत का था, लेकिन पिछले 3 साल से मैं नेटसब में और फुल टाइम नेटसब में हूँ। और आज फुल टाइम की मैं बात क्या करूंगा, मुझे बोलता हूँ कि आज 24 घंटे मैं नेटसब करता हूँ, 24 घंटे। चाहे बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ये वकील साहब कौन सा ऐसा 24 घंटे, या सोते हैं कि नहीं सोते। तो इसमें फैक्ट है कि मैं सोता हूँ, लेकिन सोते सोते भी मेरे दिमाग में नेटसब चलता रहता है। और जो होम मिनिस्टर होते हैं, उनका बार में थोड़ा इशारा लगता है कि ये अभी क्या करो, थोड़ा सा हमें सोने दो। दोस्तों, ये क्या है, ये मतलब 24 घंटे नेटसब, जिसकी मैं बात करूँ, ये क्या है कि ये इसके अंदर नेटसब का एक एक रग रग जो है, वो नेटसब का इसके अंदर भरा हुआ है, और वो चलता है दिन भर जो हम करते हैं, रात भर जो उसका पूरा प्लानिंग चलता रहता है। इसको बोलते हैं डेडिकेशन, इसको बोलते हैं एक लॉयल्टी, और इसको बोलते हैं कि एक आगे बढ़ने का जज्बा, इसको बोलते हैं कि पैसे कमाने की या आगे बढ़ने की या अपनी एक पहचान बनाने की जो एसिडिटी होती है, ये उसका एक असर होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा असर शायद आज इस जो प्रोग्राम में आए हैं, 117 लोग अभी इस प्रोग्राम के अंदर बैठे हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि 117 लोग ऐसे नहीं आए हैं जो ज्वाइन है, जो नेटसब के डायरेक्ट सेलर है, वो इस प्रोग्राम में अपना कुछ ना कुछ एक विजन लेकर के आए हैं, अपनी बहुत बड़ी सोच लेकर के यहाँ पर आए हैं, नेटसब अपना करियर बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, नेटसब में ऐसा करने के लिए आए कि उनकी आने वाली पीढ़ियां उनको याद करें कि यस मेरे पिताजी थे या मेरे दादाजी थे जो एक मेरे लिए ऐसा काम कर गए हैं, इसलिए हम नेटसब में आए। तो ये चीज कैसे हो, कैसे संभव हो, लेकिन इनके लिए भी कुछ कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां होती है हमारी, जिनको हम करते 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 आगे बढ़ते हैं,
एक लेवल पर जाकर उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आज यहाँ पर कोई ऐसा इतना मोटिवेशनल प्रोग्राम होने वाला नहीं है, ये केवल इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम रहेगा। तो हमारा एक घंटे ये प्रोग्राम चलने वाला है, आप सब लोग एक जगह अपने मोबाइल को स्टेबल करके और आराम से बैठिए। सारे हम डायरेक्ट सेलर हैं और जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और अभी हम रात के टाइम पर घर पे हैं, सारा जो भी बाहर का काम तो घर पे आ चुके हैं। एक घंटा में कुछ करना भी नहीं, लेकिन आपको एक घंटा कंटिन्यू मेरे को सुनना है। डेफिनेट मैं आपको बोल सकता हूँ कि आज के बाद आपके इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे चलता हूँ। तो एक बार वापस पुनः आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, और इस वर्चुअल स्टेज के माध्यम से मैं इस प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का तहे दिल से आपको यहाँ पर स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो आज का टॉपिक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ रोम शैली। देखिए, अभी इसके नाम से ही पता चल रहा है रोम, मतलब रोम का मतलब क्या, रोम तो रोम ही होता है, चाहे कुछ भी हो। अगर गलत हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो अपने खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, चाहे अपने परिवार को लेकर के हो, या चाहे अपने समाज सोसाइटी में लेकर के हो, या कहीं भी, या अपने कोई बिजनेस को लेकर के हो, रोंग मतलब गलत, गलत तो गलत ही है। और जहां पर गलत होता है वहां पर हम कोई बड़े अचीवमेंट की या कोई बड़े प्रसिद्धि की जो हम उम्मीद करते हैं वो हासिल नहीं कर सकते। हमें जहां पर गलत शब्द जो लग जाता है, मतलब वहां पर हमें कोई बड़ा अचीवमेंट के जो बारे में हम लोग सोचते हैं वो सोचना बंद कर देना चाहिए। इसके नाम से जाहिर हो रहा है। और ये गलत कमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, जो रॉन्ग सेलिंग मैंने लिखा है ना, कि आज हम जिस बिजनेस में विशेषकर हम जो बात करते हैं, हम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इस बिजनेस में आज हम यहाँ पर है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कि अगर कहीं आपने रॉन्ग, यानी स्पेशली अगर हम बात करते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो होती है, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो काम करती है, वहां पर हमने अगर अपने प्रोडक्ट को अगर किसी गलत तरीके से उसका सेलिंग उसको बेचा है, उसको सेल किया है, तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपको एक दिन प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अगर हमने कोई गलत कमेंटमेंट किया है, मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपको कुछ लेवल पर जाने के बाद आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए, इसके एक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आते हैं। कि डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, बहुत बड़े सपने लेकर के आते हैं, हमारे अप्लायंस हमें सपने दिखाते हैं, हमारे अप्लायंस बताते हैं कि आपका यहाँ पर करियर बनने वाला है, हमारे अप्लायंस बताते हैं कि आप यहाँ से पैसा कमाने वाले हो, हमारे सीनियर्स ये बताते हैं कि आपका यहाँ पर करियर बनने वाला है, आप नहीं आपके बच्चे इस बिजनेस को करने वाले हैं। ये सब चीज सोचकर हम इस बिजनेस में आते हैं और कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी करते हैं जिसकी वजह से हम अपना पूरा टीम को खो देते हैं, अपनी पूरी टीम का कोलैप्स कर देते हैं और एक दिन हताश होकर हमें घर पे बैठना पड़ता है। आज ये जो टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रॉन्ग सेलिंग एंड रॉन्ग कमिटमेंट को लेकर के हमारा टॉपिक रहेगा। आप अपना कॉपी पेन भी लेकर बैठ सकते हैं, आप चाहो तो उसको जो आगे कुछ बातें आएंगी उनको आप नोट कर सकते हो। लेकिन नोट करने की बजाय सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि आपको इसके अंदर डालना है, आपको उसका आत्ममंथन करना है। आत्ममंथन करके आप चलोगे तो 100% आपके आपका बिजनेस बहुत अच्छा जाने वाला है। दोस्तों, जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में जो व्यक्ति आता है, यानी कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी एक टीम हो, और मेरी एक टीम हो उसका एक सपना होता है, उस टीम एक टीम बना करके अपना सपना देखता है कि मेरी एक अच्छी टीम बने, और टीम बनने के साथ जो आने वाला कल है वो मेरा अपना खुद का होना चाहिए। ये हर एक डायरेक्ट सेलर का सपना होता है, हर एक डायरेक्ट सेलर का। और इसी टीम को अगर इसी सेंटेंस को अगर तीन सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा, तीनों के अलग अलग बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए आगे जो मैं चलता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक टीम, मतलब एक टीम कौन सी, आप इस स्लाइड के ऊपर देख पा रहे हैं, हर डायरेक्ट सेलर, हर एक नेटवर्कर, हर एक लीडर ये सोचता है कि मेरी एक हेल्दी टीम हो। क्योंकि हम यहाँ पर नेटवर्किंग क्यों करते हैं, ट्रेडिशनल में उसमें अंतर क्या है कि हमें यहाँ पर नेटवर्किंग हम लोग इसलिए आते हैं कि आने वाला टाइम जिसके अंदर आज अभी मैं अकेला काम कर रहा हूँ वहां पर मेरी बहुत बड़ी पावरफुल टीम हो, और उसकी हेल्प से अगर मैं बाय द वे किसी वजह से काम पर नहीं हूँ तो मेरे घर में पैसा आता रहे। जैसे अगर आज मैं मेरी बात करता हूँ, मैं 3 महीने इस कोरोना के दौर पे घर पे था, लेकिन मेरे पास पैसा आता रहा, मेरा घर चलता रहा। अगर मैं कोर्ट में होता तो मेरे पास पैसा नहीं आता। तो वहां पर इसमें अंतर है कि हम इस नेटवर्किंग में, इस डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए आते हैं कि हमारे पास एक हेल्दी टीम हो, बस एक पावरफुल टीम हो, जिसकी वजह से हम हमारे जो सपने उसको पूरा कर सके। मतलब ऐसी हेल्दी टीम के माध्यम से हम अपना करियर बना सकते हैं। ये हमारी हर एक डायरेक्ट सेलर की सोच होती है, हर एक लीडर की सोच होती है। अगर मैं और बात करता हूँ उसी सेंटेंस को, अगर मैं और डिफाइन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने फिर वापस लिखा कि एक टीम का मतलब यहाँ पर आप देखो, जो हमने एक टीम बनाई है, जो एक हमने एक सपना देखा है, उस टीम के बाद यहाँ पर आप देखिए अच्छे अच्छे खासे बच्चे, जो मतलब हमारे सपना था हर एक डायरेक्ट सेलर का, हर एक नेटवर्कर का, एक लीडर का पूरा परिवार उसके बच्चे का अच्छा एजुकेशन ले, उसके पास एक अच्छा मकान हो, अच्छा उसके पास में इसकी बात करता हूँ गाड़ी हो, या वो एक हवाई यात्राएं करे। मतलब ये सारा जो सब जो मैंने आप स्लाइड पर आपको दिखाया है, ये हर एक लीडर की, हर एक नेटवर्कर की एक सोच होती है, एक सपना होता है। और ये सपना पूरा करने के लिए दोस्तों हम पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, जी जान से हम टीम के ऊपर काम करते हैं। फिर मैंने वापस लिखा कि एक टीम, यानी कि आने वाला जो कल वो अपना हो सके उस टीम के माध्यम से। और अभी देख रहे हैं यहाँ पर स्लाइड के ऊपर, हमारा जब हम नेटसम में है तो हमारा अंतिम पड़ाव जो है, अंतिम जो लक्ष्य हमारा जो है,
हर एक यहाँ पर डायरेक्ट सेलर का है, मेरा भी है, आपका भी है, और इसी को लेकर के हम रेड समय आए, तो ये कैसे पूरा हो, इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसको पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी गलतियां जिसकी वजह से हमें पीछे हटना पड़ता है। और ये बहुत सारे लोग करते हैं, मैं टीम में जाता हूँ, देखता रहता हूँ, अलग अलग एरिया में लोग जाते हैं, अलग अलग लीडर से हम लोग बात करते हैं, उनकी कुछ छोटी छोटी ऐसी खामियां होती है जिनकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों मतलब उनकी छोटी छोटी खामियों की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने जो मेरा टॉपिक है जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि रॉन्ग सेलिंग या रॉन्ग कमिटमेंट, उसकी वजह से उसको खुद को एहसास नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब अपलाइन या कोई सीनियर जब बताता है उस बात को भी शायद उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता, उसको भी वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आपको किसी बात को इग्नोर नहीं करना, या आप लोग जो गलती कर रहे हो, जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा, मानता हूं उसको अच्छा कर, अच्छा करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं आपसे जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हुई है तो आप उसको आप देखना है और उसको सुधार करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि झूठ की बुनियाद पर रखी हुई नींव कभी इमारत नहीं खड़ी कर सकती। ये फैक्ट है कि आज अगर हम कुछ झूठ बोल करके कोई काम करेंगे या कोई ऐसी नींव रखेंगे, जिस नींव को हमने रख दिया वो नींव बहुत कच्ची है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ी इमारत खड़ी करें, एक मंजिल, दो मंजिल, चार मंजिल, दस मंजिल, 16 मंजिला अगर हम कोई इमारत खड़ी करना चाहते हैं, 50 मंजिला अगर कोई इमारत खड़ी करना चाहते हैं, तो उस इमारत को खड़ी करने के लिए हमें हमारे नींव को मजबूत रखना पड़ेगा, हमारे नींव को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी आप ध्यान रखना, अगर झूठ बोल करके हम अगर कोई ऐसी नींव रखते हैं तो शायद मैं आपको बोल सकता हूँ 110% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वही वो जो जो हमने जो नींव रखी है झूठ की बुनियाद पर, वो बड़ी इमारत का रूप नहीं ले सकती मेरे दोस्त। तो अगर हम इसी की बात करते हैं तो इसी के ऊपर आज हमारा पूरा टॉपिक जिसमें बात करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि रॉन्ग सेलिंग एंड रॉन्ग कमिटमेंट की जो बात करता हूँ, तो बहुत सारे लोग किस तरह के रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं, गलत कमिटमेंट करते हैं या गलत तरह के सेलिंग करते हैं। यहाँ पर जैसे भी मैंने लिखा कि झूठे वादे करना, देखा है मैंने लीडर्स को अभी बोन भी आते रहते हैं रोजाना, बहुत सारे लोगों को इनको समझाना पड़ता है कि झूठे वादे करना या गलत बात करके किसी के लीडर्स के साथ में या प्रोडक्ट्स के साथ में या कंपनी मैनेजमेंट के साथ में या अपलाइन के साथ में या डाउनलाइन के साथ में ऐसा अक्सर होता रहता है। बात करता हूँ यहाँ पर गलत तरीके से किसी प्रोडक्ट को सेल करना, मतलब झूठ बोल करके जो प्रोडक्ट हमारा जो फिलोसॉफी है वो फिलोसॉफी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। नेटसअप ने हमें 24 कैरेट शुद्ध सोना दिया और 24 कैरेट शुद्ध सोने को आप जाकर अलग ढंग से उसका सेल करके आओगे तो शायद हो सकता है कि वो आदमी एक टाइम के लिए संतुष्ट हो सकता है, लेकिन उस टाइम बाद वही व्यक्ति वापस आकर के आपके गले पड़ सकता है। मतलब ये जो लोग हैं यहाँ पे, इसलिए मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, तो हमें गलत तरीके से पड़ोस को सेल जो कर हम लोग करते हैं उसको लेकर के, या बात करता हूँ झूठ बोल करके, मतलब उस पड़ोस का जो बात कर रहे हैं रिजल्ट कैसे आएगा क्या नहीं, उसको हम झूठ बोलकर उसको हम सेल कर पा रहे हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि झूठ, झूठी बातें, गलत बातें करके कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, ना आगे बढ़ा है ना आगे बढ़ सकता है, ये गारंटेड है। तो आज आपको ये नोट करना है कि जिस तरह का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं या जिस तरह से लेकर हम जो एक सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो हमारी सोच या जो हमारा काम करने का जो तरीका है, या जो हम फील्ड पे जाते हैं, फील्ड पे जो लोग हम बोलते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर के हो, कंपनी को लेकर के हो, या लीडर्स को लेकर के हो, अपलाइन डाउनलाइन किसी को भी लेकर के हो, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, यह आज आपको देखना है। इसी सेशन के दौरान आपको एक घंटे हम लोग जो बात करेंगे इसमें आपको मिलने वाला है। बात करता हूँ यहाँ पर अपने आपसे आप ये क्वेश्चन कीजिए कि हम नेटसअप कब तक करना चाहते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ मार्केटिंग कंपनियां बहुत सारी हैं, रोजाना करोड़पति बनाने वाली कंपनी आती है, रोजाना आपको करोड़ों के सपने दिखाने वाले लोग आते हैं, कुछ नहीं करना, घर बैठे बैठे केवल मोबाइल के ऊपर आपको टक 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 करना है, आप करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे लोग भी यहाँ पर इस नेटवर्क में आते हैं, नेटसअप में आते हैं, या अलग अलग जो नेटवर्किंग जब कंपनियां जो काम करती है उनमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कमिटमेंट किए जाते हैं या बहुत सारी बातें की जाती है, उन सब चीजों को एक बार साइड में करके मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप नेटसअप में आए हैं, हम नेटसअप के डायरेक्ट सेलर बने हैं, तो एक बार अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि मुझे नेटसअप कब तक करना है, क्या जो अब तक हमने जो किया अलग कंपनी में, जो किया जो अलग कंपनियां करती हैं या जो अलग लीडर करते हैं, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, ये हमें खुद को डिसाइड करना, खुद को सोचना है नेटसअप कब तक करना है। दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन, इसका आंसर अगर ये आता है कि लाइफ टाइम करना है, आपका क्या रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपका ये उत्तर ही आता है कि मुझे नेटसअप लाइफ टाइम करना है, तो लाइफ टाइम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। आज आपका एंट्री है नेटसअप के अंदर, लेकिन नेटसअप में एंट्री यानी कि आपकी नींव, इस तरह की मजबूत नींव रखो कि आपकी जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि आपका जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, कि आज आप जो एक वो बिल्डिंग जो खड़ी करना चाहते हो, वो बिल्डिंग इतनी मजबूत हो कि उसके ऊपर आप एक मंजिल से ऊपर मंजिल के ऊपर मंजिल के ऊपर मंजिल के ऊपर मंजिल अगर आप टिकाते जाओ, तो आपकी बिल्डिंग को कोई भी किसी प्रकार की आंच नहीं आए, वो बिल्डिंग गिरे नहीं, बड़ा सा भयंकर से भयंकर अगर भूकंप आ जाए, कोई तूफान भी आ जाए, तो आपकी बिल्डिंग को हिलाने वाला नहीं हो, ऐसी मजबूत नींव रखो। और मजबूत नींव रखने के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको सफल ड्राइवर बनना पड़ेगा। अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले,
अभी हमारे विलास थोरार सर का स्पीच चल रहा था कि आपको सफल ड्राइवर बनना पड़ेगा। अगर आप सफल ड्राइवर नहीं बन सकते, मतलब अच्छी आप गाड़ी ड्राइविंग नहीं कर सकते, पता नहीं कहाँ जाकर के गाड़ी ढम मतलब टकरा जाएगी और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, हो सकता है कि हमें जान माल की हानि भी हो जाए। तो ऐसे ही नेटसअप की अगर मैं बात करता हूँ तो नेटसअप के इस बिजनेस को आगे आपको रन करने के लिए आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मैं क्या इस बिजनेस को करने के लिए सफल ड्राइवर हूँ कि नहीं। मतलब मेरा जो स्ट्रेंथ है काम करने का, जो काम करने का तौर तरीका है मेरा, वो सही है कि नहीं है, उसको आपको एनालिसिस खुद को करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर मेरा कहना मतलब कि सफल ड्राइवर बनना पड़ेगा। और सफल ड्राइवर अगर आप बनते हो, मजबूत नींव अगर आप रखना चाहते हो, तो मजबूत नींव वो नींव जिसकी मैं बात करता हूँ, आप इस स्लाइड के ऊपर एक फोटो देख पा रहे हो, मैंने एक पूरा एक ब्रिज का फोटो लिया यहाँ पर, और इस ब्रिज के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बड़ा जो पुल होता है उसके ऊपर बहुत सारी गाड़ियां आती है, बहुत सारी गाड़ियां जाती है, भारी भारी ट्रक आते हैं, ओवरलोडेड ट्रक आते हैं और उसकी उस पुल के ऊपर से गुजरते हैं। लेकिन जो दोस्तों जब पुल की नींव रखी जाती है तो ये सोच के नहीं रखी जाती कि इस पुल को हमें एक महीने या एक साल तक चलाना है, उसके बाद हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, हट जाएगा और या दूसरा बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसकी जो नींव रखी गई थी, आप देख रहे हैं नीचे से, इसकी नींव रखी गई थी कि आने वाली कई पीढ़ियां या कई सैकड़ों वर्षों तक इसकी नींव जो है वो हिले नहीं, ऐसी नींव इस पुल की रखी गई थी, ये सोचकर इस पुल को बनाया गया था। तो ऐसी मजबूत नींव हमें हमारे नेटसअप के बिजनेस की हमें रखनी है, और ये सोच करके अगर आप अपनी नींव रखते हो तो 100% आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम मजबूत नींव रखते हैं नहीं रख पाते हैं और इसका सफल ड्राइविंग अगर नहीं कर पाते हैं, या सफल ड्राइव मजबूत नींव रखते हैं या सफल ड्राइविंग हम करते हैं, तो इसके देखो इसके प्रभाव क्या क्या होने वाले हैं। आपने मजबूत नींव रखा और आप सफल ड्राइवर बनते हो, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपके रास्ते में कितने भी उबड़ खाबड़ रास्ते आए, कितने भी आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते आए, या कितने भी डिफिकल्ट रास्ते आए, कोई पहाड़ी पर चढ़ना है या कोई घाटी में आपको चलना है, डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपने मजबूत नींव रखी, यानी कि आप सफल ड्राइवर अगर बने हैं, तो आपको आपके रास्ते में यानी आगे आपकी मंजिल पर आगे बढ़ने के लिए आपको दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती दोस्तों। लेकिन अगर आपका ड्राइविंग सफल नहीं है, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि शायद 1 किलोमीटर चलना तो बहुत दूर की बात है, आधा किलोमीटर चलते ही और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है गलत ड्राइविंग की वजह से। आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, एक गलत ड्राइविंग कई लोगों की जान लेकर की जाती है, और एक गलत ड्राइविंग बहुत सारे जान माल का नुकसान करके जाती है। मतलब नेटसअप में अगर हम गलत ड्राइविंग करेंगे तो हम तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि जो टीम हमारे को देख करके, यानी कि हमें जिसको हमने सपना दिखाया है, वो हमारी वजह से नेटसअप ज्वाइन करती है। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स आते हैं, जैसे अभी ओपनिंग के दौरान केके जी ने बोला कि बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हमारे पास में आते हैं, बहुत अच्छी टीम हमारे पास में आती है, लेकिन हम लोगों में वो सफल ड्राइविंग के लक्षण नहीं है, वो गुण नहीं है, यानी कि हम एक सफल लीडर नहीं है, उसकी वजह से वो हमारी टीम हमारे हाथ से निकल जाती है। दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि गलत ड्राइविंग करना मत सीखो कभी भी। आपका ड्राइविंग सफल होना चाहिए, परफेक्ट ड्राइविंग आपका होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा मैं और आगे चलता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अभी लिखा आपको कि अपना नाम जो है, आपका जो नाम है उसको अपने आप के अंदर एक ब्रांड बनाओ, वो ब्रांड बनना चाहिए। और ब्रांड बनने की अगर मैं बात करता हूँ, आज मार्केट के अंदर ऐसे देख पाते हैं कि ऐसे ऐसे जो फेमस जो ब्रांड है अपने आप के अंदर, जिनका नाम है मार्केट के अंदर, और आज वो वर्षों से चलते आ रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से चलते आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई आज एक लांछन नहीं है, उनके ऊपर कोई एक तिनका भर भी कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता, और उनका जो माल बिकता है वो उनके नाम से माल बिकता है। अगर ऐसे कुछ ब्रांडेड की बारे में बात करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टाटा, आज मैं अगर बात करता हूँ हिंदुस्तान की क्या दुनिया का पहला एक नंबर वन ब्रांड मैं मानता हूँ टाटा को, जिसके ऊपर बहुत साफ सुथरा अपना एक ब्रांड है, जिसके ऊपर आज एक सिंगल लांछन नहीं है, इसके ऊपर कोई आदमी सिंगल उंगली नहीं उठा सकता। ऐसा ब्रांडिंग खुद को बनाओ, अपने नाम को ऐसा खुद का ब्रांड बनाओ कि यस मुझे मेरा नाम, अगर मैं नेटसअप में, तो मेरा नाम मार्केट में बिकना चाहिए, मेरा नाम मार्केट के अंदर चलना चाहिए, मेरे नाम के ऊपर कोई आदमी उंगली नहीं उठाए, ऐसा अपने आप को खुद को ब्रांड बनाओ। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे आप सुजुकी की बात करते हैं, बहुत सारी कंपनियों हमने देखा, बहुत सारी गाड़ियों को हम ड्राइव करते हैं, अलग अलग कंपनी की गाड़ियों को, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम के अंदर आती रहती है, कुछ ना कुछ नई नई प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन मारुति सुजुकी एक ऐसा ब्रांड है जिसके ऊपर कोई आज तक एक सिंगल लांछन नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जिस ब्रांड की मैं बात करता हूँ, जिसको लेकर के मुझे अपने आपके अंदर प्राउड है, गर्व है, वो है नेटसअप। नेटसअप अपने आपके अंदर इतना बड़ा ब्रांड है कि अगर इस ब्रांड की मैं बात करता हूँ, आज सफलतापूर्वक इसने अपना पूरा सफर, जो जब से चालू हुआ तब से अब तक लेकर के पूरा, मतलब सफलता में इसका पूरा सफर रहा है, और अपना नाम इतना बड़ा किया कि आज इंडिया के अंदर नहीं है, विदेशों के अंदर भी नेटसअप का ब्रांड आज वहां पर चालू हो गया है। हमारा सिंगापुर में हमारा ऑफिस डल चुका, अमेरिका में काम चालू किया, क्यों हुआ कि आज तो नेटसअप जो अपने आपके अंदर एक ब्रांडिंग जो अपने आपके अंदर बन रहा है, उस ब्रांड को लेकर के हम पूरे विश्व में नेटसअप फैलना चाह रहा है, केवल और केवल नाम की वजह से। तो मेरा ऐसा मानना है कि मुझे, मतलब आप अपने आप को कह सकते हो कि यस मुझे नेटसअप जैसा ब्रांड बनना है, और नेटसअप जैसा अगर ब्रांड बनना है तो मैं आपको बोलूंगा नेटसअप में किस तरह की ब्रांडिंग, हम क्या किस तरह की ब्रांडिंग देखते हैं, तो थोड़ा मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर आप देखिए नेटसअप की अगर ब्रांडिंग की बात करें दोस्तों, तो आज नेटसअप को 20 वर्ष का जो रिकॉर्ड है, इसका आप अध्ययन करके देखिए, पीछे आप जाके देखिए, जब जब मैं कहीं भी कोई मीटिंग में होता हूँ या कोई
वन टू वन के प्लान में होता हूँ, मैं हर लीडर को ये बोलता हूँ कि आज सफलतम 20 वर्ष का रिकॉर्ड नेटसब ने कंप्लीट किया है, और इस दौरान नेटसब के ऊपर एक सिंगल लॉन्चर नहीं है। आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिए, कहीं भी किसी भी ऑफिस में आप जाकर के वहां पर इसका रिकॉर्ड लेके देख लीजिए, बहुत सारी कंपनियों पर अलग के इस मुद्दे में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन नेटसब के ऊपर 20 साल का सफलतम रिकॉर्ड ये अपने आप के अंदर एक ब्रांडिंग है। और अगर मैं बात करता हूँ तो नेटसब का जो मैनेजमेंट है, 20 वर्ष का जो मैनेजमेंट का जो रिकॉर्ड है, इतना शानदार इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नेटसब के पास में, कि जो इथिकल जो अगर मैं बात करता हूँ तो इथिक्स के ऊपर नेटसब चलता है पूरा का पूरा, ये मैनेजमेंट अभी साबित करता है यस नेटसब अपने आप के अंदर एक ब्रांड है। अगर मैं और बात करता हूँ और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा नेटसब मैनेजमेंट के बारे में, 20 वर्ष का जो रिकॉर्ड है मैंने देखा बहुत सारी कंपनियों के अंदर, एक तरफ नेटवर्क एक तरफ होता है और मैनेजमेंट एक तरफ होता है, बीच में दीवार होती है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, लेकिन हमारे बीच में नेटसब की वजह से आज हमारे बीच में एक मैनेजमेंट का एक इसको हम स्ट्रॉन्ग मैन सब उसको बोल सकते हैं, मतलब कि हमारा रीजनल मैनेजर हमारे बीच में होता है। और मैंने देखा, मैं यही नोट करता हूँ, बहुत सारे मैनेजर्स को मैंने नोट किया है, मैं सबके अलग अलग बात भी करता हूँ, अलग अलग रीजन के लोगों से मैं बात करता हूँ, लेकिन इन मैनेजर्स के अंदर यानी कि नेटसब ने हमारे यहाँ पर जो थर्ड एम्पायर जो छोड़ रखा है, उस थर्ड एम्पायर की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों आज वो इतने निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, उनके लिए पूरी टीम समान है। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको मेरी तरफ से उनको मैं कुछ पिघला लूँ और मेरे पास उनको मेरे तरफ उनको कर लिया, उनसे कुछ ऐसा काम करा लूँ। मैंने देखा कि नेटसब का मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, ये अपने आप के अंदर एक ब्रांडिंग बोलता है। उनका कहना क्या होता है, हमारे लिए पूरी टीम एक है, चाहे वो किसी भी टीम से हो, हम नेटसब के लिए, हम नेटसब के ब्रांडिंग में है। तो आज उनका नाम बिकता मार्केट के अंदर, और यही वजह से आज मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नेटसब हमें देता है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ नेटसब के प्रोडक्ट का रिजल्ट, अरे आज 24 कैरेट शुद्ध सोना नेटसब ने हमें दिया है, और 24 कैरेट शुद्ध सोना हमने दिया, यही एक रिकॉर्ड है नेटसब का कि 20 साल से लगातार चलता आ रहा है, और एक जो प्रोडक्ट मार्केट में आ गया आज तक वापस बैक नहीं हुआ है, और आज तक बैक वापस नहीं हुआ दोस्तों, यही एक बहुत बड़ा अपने आपके अंदर रिकॉर्ड है, यह ब्रांडिंग अपने आपके अंदर। और अगर मैं बात करता हूँ नेटसब का ट्रांसपेरेंस बिजनेस, इतना ट्रांसपेरेंट है कि हर चीज ओपन है, लगता है कि अदर कंपनी मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कमाते 5,000 रुपए बताते 50,000 रुपए, लेकिन नेटसब के अंदर आपने देखा होगा, नेटसब का एक व्यक्ति अगर जो 50,000 कमाता तो 50,000 बोलेगा, जो 2,00,000 कमाता वो 2,00,000 बोलेगा, जो 16,00,000 कमाता वो 16,00,000 बोलेगा, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो लीडर नेटसब का, मेरा जैसे लीडर बड़े गर्व के साथ बोलता है, बड़े अभिमान के साथ बोलता है कि भैया अगर मेरी बात पे तेरे कुछ डाउट है या कुछ संशय है तो एक काम कर, अपना मोबाइल खोल और मोबाइल के ऊपर देख। मतलब क्या है, नेटसब का ट्रांसपेरेंट बिजनेस ये अपने आपके अंदर एक ब्रांडिंग साबित करता है। और नेटसब जो मतलब मेरा कहने तात्पर्य यहाँ पर ये है कि नेटसब जो बोलता है, जो कहता है वो करता है, यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आपका भी ऐसा ही ब्रांडिंग होना चाहिए। और इसी ब्रांडिंग की मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि नेटसब के लीडर्स जो आज 20 वर्षों से जो नेटसब में जो काम कर रहे हैं, उन लीडर्स का, उनका हमारे मेंटोर जो है, उनका ब्रांडिंग देखिए, आज उनके नाम से काम चलता है, उनके नाम को मार्केट में पूछा जाता है, उनका नाम जो मार्केट के अंदर बिकता है। तो दोस्तों अगर इन्हीं जो लीडर्स हमारे, अगर उनकी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको स्लाइड पे दिखाऊंगा, यहाँ पर जो नेटसब के ब्रांड्स हैं अगर उनकी बात करता हूँ, आज नेटसब की अगर मैं बात बोलूँ तो वो अभिमान है, स्वाभिमान है नेटसब के, और वो हमारे सरताज है, सिरमौर हमारे पास में, जिनको हम बार बार उनको सल्यूट करते हैं। क्यों करते हैं कि इन्होंने अपने आप को एक ब्रांडिंग अपने आप को साबित किया, अपने नाम को ब्रांड बनाया। इसमें सबसे पहले बात करता हूँ हमारे विलास थोराट सर, एक बार जोरदार ताली चाहूंगा मैं इनके लिए, वर्चुअल तालियां, क्योंकि इनसे हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं, इनसे हम सब लोग सीखते हैं, इन्होंने हमें सिखाया है। आज ये 20 साल से नेटसब में काम कर रहे हैं, 36 करोड़ के हाईएस्ट अर्नर हैं। दोस्तों ऐसे ही 20 साल तक काम नहीं होता है, ऐसे ही 36 करोड़ रुपए नहीं आते हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ, इनके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी थी, बहुत इनके अंदर गुण थे, बहुत सारी चीजें मार्केट में देखी होगी, बहुत सारी मार्केट में सिखाई होंगी, इन्होंने अपने नाम को ब्रांड बनाया है। और अगर मैं और बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे मिस्टर अजय वाटकर सर, मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारे दानेश्वर दहीदुले सर, बात करता हूँ यहाँ पर हमारे नट्टू भाई चौहान, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर, हमारे रविकांत सर, बात करता हूँ यहाँ पर राजस्थान के लवली ओसीएम मुकेश सर, जिनकी उंगली पकड़ करके मैं आगे चलता हूँ, जिनकी उंगली पकड़ करके मैं आगे बढ़ता हूँ, और अभी जो आज मैं बोल रहा हूँ इन्हीं से मैंने सीखा है। आज मुकेश सर हमारे राजस्थान के, अगर मैं बात करता हूँ पूरे एंटायर नेटसब के, एक अपना आप के इनका नाम एक ब्रांड का काम करता है, इनके नाम से काम होता है। हर व्यक्ति ये सोचता है, मैं देखता हूँ अलग अलग रीजन से मेरी बात होती रहती है, हर रीजन के लोग क्या बोलते हैं कि हमें मुकेश सर की टीम में काम करना है। ये क्या है, अपने आप के अंदर एक ब्रांडिंग है, ऐसा ब्रांड हमारा होना चाहिए जिनके नाम से काम आए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। अगर मैं बात करूं हमारे प्रमोद सूर्य सर हैं, बात करता हूँ कुंदन चौधरी सर हैं, महेंद्र सालवी सर हैं, किरण भोई सर हैं, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं जो अपने आप के अपने नाम को उन्होंने ब्रांडिंग किया है, अपने नाम को उन्होंने ब्रांड बनाया है, और वो नेटसब में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम आगे चलते हैं, बात करते हैं तो इन लोगों की क्या ब्रांडिंग ऐसे होगी क्या, अगर ये गलत कमिटमेंट करते या गलत तरीके से सेलिंग करते तो आज ये शायद 20 साल में यहाँ पर नहीं पहुंचते, और इनका नाम नेटसब में मतलब आदर से नहीं लिया जाता, नेटसब के अंदर इनका नाम जो है ना वो सरमोर पे नहीं होता, आज हमारे सरताज नहीं होते। तो यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों, जैसे अभी मैंने लिखा कि झूठे वादों की वजह से आज बहुत सारी कंपनियां बंद हुई है,
और मैंने देखा है प्रैक्टिकल में, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आज नेटवर्कर यहाँ पर जो लीडर्स हैं उनको बोलना चाहूंगा, 2011-12 के अंदर बहुत सारी कंपनियां बंद हुई थी, आज भी उनके लीडर्स अंदर है, वो कंपनी में डायरेक्टर्स अंदर है, वो सारे दुनिया से चले भी गए हैं, वो ऐसे ऐसे गलत कमिटमेंट किए हैं, गलत तरह की बातें की लीडर से, नेटवर्करों से, और उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, वो कंपनियां बंद हुई है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो झूठ कभी लंबा चलता नहीं है, लीडर्स झूठे वादे करके आज वो फेल हो गए हैं, और बहुत सारी कंपनी होते हैं घर बैठ जाते हैं, और बहुत सारी कंपनियों को छोड़ करके फिर यहाँ पर आते हैं। और मैंने बहुत सारे लीडर्स को, मैं यहाँ पर अगर नेटवर्क की बात भी करता हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिन बन पा रहा है, मेरा क्या करियर बनाएगा, वो कारण उसका क्या है, वो केवल केवल झूठ जो उसकी होती है ना, गलत कमिटमेंट होते हैं इसके। लोग इस प्रोग्राम के अंदर है, सब लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि नेटसप की जो सोच है उसको एडॉप्ट करो, आप अपना दिमाग मत लगाओ, नेटसप जो आपको सिखाता है, नेटसप जो आपको बोलता है उसको आप लेकर के चलो, नेटसप की सोच को आप आगे बढ़ाओ। और नेटसप की अगर सोच को मैं अगर बात करता हूं तो नेटसप की सोच क्या है, आपका और मेरा अगला पीढ़ी, यानी कि यही बिजनेस करेगा आपकी और मेरी अगली पीढ़ी का निर्माण। जब हम बार बार कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारी इसी बिजनेस को करें, और इसी बिजनेस को करने के लिए सुजीत सर की सोच है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। और सुजीत सर हमेशा एक बात बोलते हैं, कभी भी आप अपना दिमाग मत लगाओ, अपना अनुसार मत चलो, जो नेटवर्क जो आपको बोला, नेटवर्क का जो थॉट प्रोसेस है उसको आप अपना के चलो, 100% आपकी आने वाली पीढ़ी का निर्माण होगा। अगर मैं यहाँ पर आगे चलूँ बात करूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि रॉन्ग सेलिंग, जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं, या हम किस तरह के रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं, या किस तरह की रॉन्ग सेलिंग करते हैं, और उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं यहाँ पर हमारा रॉन्ग सेलिंग। रॉन्ग सेलिंग किस तरह का हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर हम चार कैटेगरी में काम करते हैं। सबसे पहले हम जो कैटेगरी लेते हैं, जो हमारे पड़ोस आते हैं, वो आता है बायोफिट के अंदर। बायोफिट मतलब उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर या CFC के अंदर आता है। तो हम सबसे पहले CFC लेते हैं। CFC को लेकर के आज हमारे पास में इतना शानदार CFC है कि वेटनरी के अंदर इसका तारीफ किया जाता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स वेटनरी के हमारे इसकी तारीफ करते हैं। इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियां डाली गई हैं कि हर जानवर के लिए सुटेबल होती है, लेकिन हमारे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर को मैंने देखा है बहुत गलत तरीके से सेल करते हैं, गलत तरीके से उसको बेचते हैं। और मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कई बार क्या लोग बोलते हैं, साहब एक बार हमारा CFC आप यूज करो, अरे 9 किलो दूध बढ़ेगा। क्या कभी आपने देखा क्या 9 किलो दूध बढ़ते हुए? कभी नहीं। ये क्या है कि झूठा, बिल्कुल रॉन्ग है, टोटली गलत है। आज तक 9 किलो दूध कभी बढ़ा नहीं है और ना बढ़ेगा। आपको ऐसा गलत वादा किसी से करना नहीं, किसी को गलत बोल करके आपको अपना CFC को सेल नहीं करना है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक बार आप अगले को दोगे, आप उसको 9 किलो बोलोगे, होगा कि वहां पर 1 किलो बढ़ जाएगा, 2 किलो बढ़ जाएगा, लेकिन जब 9 किलो नहीं बढ़ेगा तो वो व्यक्ति आपको उल्टा गला पड़ेगा और क्या बोलेगा, यार आपने बोला था कि 9 किलो दूध बढ़ेगा। ऐसा कभी होता नहीं। ये गलती किसकी, अगली गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर CFC की बात करते हैं, हाँ 15 से लेकर 20% तक का दूध बढ़ता है, मतलब पावर भी हो सकता है उसमें, 1/2 किलो भी हो सकता है उसके अंदर, जो है ना कि बात करते हैं तो 1 किलो भी हो सकता है, 2 किलो भी हो सकता है, लेकिन सीधा ही 9 किलो बढ़ जाएगा, ये यार कहाँ का नहीं। कभी भी 9 किलो दूध बढ़ने वाला नहीं है। अगर हम CFC की ओर बात करते हैं तो कई बार लोग क्या बोलते हैं, अरे साहब आप तो क्या बात करते हो, बोले 8 से 10 किलो तो का ये 8 से 10 तक इसका फेट बढ़ेगा। क्योंकि ये गलत बातें वो क्यों बोलते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में गलत उसका सेलिंग क्यों कर रहे हैं, गलत तरीके से क्यों बता रहे हैं, कि वो हमारा डायरेक्ट सेलर क्या सोचता है कि हमें जल्दी से जल्दी बस इसका पैसा निकालना है, इसका पैसा, इसकी आईडी हमारे पास आनी चाहिए और मेरा टारगेट कैसे भी करके पूरा होना चाहिए। अरे आप एक बार तो अपना टारगेट पूरा कर लोगे, लेकिन अगली बार क्या करोगे? यही आदमी आएगा, ये डिपॉट अगर आपके घर पे आएगा आपको क्या बोलेगा? तो ऐसी बातें जो आती है, 8 से 10 तक का फेट बढ़ेगा, टोटली गलत है। 1 से लेकर 2-2.5 तक का फेट बढ़ने का रिजल्ट है हमारे पास में, ज्यादा बढ़ता है वो पशु के शरीर पर डिपेंड करता है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन 8 से 10 फेट बढ़ेगा कभी नहीं बोलना। मैं बात करता हूँ यहाँ पर, चालू करते ही दूध बढ़ जाएगा, मतलब आज दिया कल तो, यानी कि सीधा 1 किलो दूध बढ़ गया मोटा मोटा, ऐसे देखा है मैंने बहुत सारे लोगों को। आपको कभी वैसा नहीं बोलना, और अगर आपकी टीम में ऐसा आप या अगर आप ऐसा बोल रहे हैं या आपकी टीम में ऐसा कोई बोलता है तो उसको आज ही रोकिए, और आज के बाद आपको ये नहीं बोलना है कि बिल्कुल चालू करते दूध बढ़ जाएगा। यहाँ पर CFC के बारे में और भी बातें आती है, लास्ट टाइम पर भी अगर आपने दिया, यानी कि लास्ट टाइम तो मतलब क्या कि पशु दूध देना बंद कर देगा, मतलब मैंने 20 दिन बंद करने वाला, उस वक्त अगर आपने इसको चालू कर दिया तो भी दूध बढ़ेगा, ये बहुत गंदी बात है। मतलब मैंने देखा बहुत गलत बात है। गलत बात कैसे है कि जब पशु का लास्ट टाइम पर आते आते उसका दूध कम होने लग जाता है, उसका दूध टूटने लग जाता है, और उस वक्त हम जाकर उसको चालू करते हैं तो उसकी बहुत सारी बीमारियों पर वो काम करता है, उसका पाचन शक्ति को अच्छा करेगा, उसका चारा अच्छा खाएगा, उसकी चमड़ी को अच्छा करेगा, लेकिन दूध बढ़ जाएगा लास्ट टाइम पर, ये संभव नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, इस CFC को लेकर के हमारे बहुत सारे लोग गलत तरीके से प्रोडक्ट को सेल करते हैं। आज के बाद मैं आपको बोलूंगा कि इसको इस तरह से आपको प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। जो वास्तविकता इस प्रोडक्ट की है, जो इसकी फिलोसॉफी इस प्रोडक्ट की है,
वो आप लोगों को बताओ, वो लोगों को बता करके उसी के हिसाब से आप सेल करोगे तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ आपका रेगुलर टर्नओवर आएगा। एक बार जिस कस्टमर को आप दोगे वो आपका कस्टमर रेगुलर आपसे मांगेगा तो आपका वो रेगुलर सेल चलेगा। एक बार झूठ आप बोल दोगे, झूठ बोलकर आप उसको दोगे गलत तरीके से आप उसको सेल करोगे, दोबारा वो कस्टमर आपसे नहीं मांगने वाला है। तो ये सीएफसी को लेकर हमारे बहुत सारे लोग इस तरह गलत कमिटमेंट करते हैं। आगे मैं बात करता हूँ रॉन्ग सेलिंग की तरह, हम दूसरा टॉपिक हम यहाँ पर लेते हैं एग्रीकल्चर को लेकर के। एग्रीकल्चर में मैंने देखे से ऐसे महारथी मिलते हैं, अरे साहब क्या बात करते हो, यस हमारे पास इतना 24 कैरेट शुद्ध सोना की 24 कैरेट शुद्ध सोना को वो बिल्कुल रंग बना देते हैं, रंगा बना देते हैं। कर कैसे बना देते हैं, उसके एग्रीकल्चर के बारे में किस तरह का कमिटमेंट होता है उनका, क्या बोलते हैं, अरे साहब पैदा आप डालो साहब पैदावार दुगनी, मतलब आज अगर आपकी एक बोरी पैदा हो रही है कल तो सीधा सीधा दो बोरी मिलने वाली है आपकी इस फसल में, आपको दो बोरी मिलने वाली है। तो ऐसे हमारे लोग, हमारे जो एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है 100% जैविक है, 100% ऑर्गेनिक है। और मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि 24 कैरेट शुद्ध सोना है, उस 24 कैरेट शुद्ध सोना को आप गलत तरीके से सेल करते हो वहां से आपका कस्टमर बिल्कुल नेगेटिव होता है। आपको कभी भी ये नहीं बोलना कि आपकी पैदावार दुगनी होगी, ये दुगनी नहीं करते, ये क्या करते मैं आपको बताता हूँ। दूसरा क्या बोलते हैं, अरे साहब इसमें केमिकल एकदम से बंद कर दो, मतलब आज डालो फसल के अंदर और डालते ही जो आप यूरिया डीएपी जो डालते आए हो उसको आप बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क मैं आपको लगाता हूँ कि एकदम से आप यूरिया डीएपी डलवा रहे हो, जो हमारा गेस्ट प्रोग्राम होता है आप लोगों ने सुना होगा, हम बोलते साहब आज से 50 साल पहले हरित क्रांति आई थी, केमिकल आया था उसको हम तब से यूज कर रहे हैं और यूज करते करते 50 साल हो गए, इस जमीन को हमने नशेड़ी बना दिया। मतलब क्या कि मैं आज बीड़ी पीता हूँ और मुझे आज 20 साल हो गए बीड़ी पीते हुए और 2 बंडल डेली की पीता हूँ, और आपने मुझे को देखा यार क्या यार वकील साहब आप 2 बंडल डेली की बीड़ी के पी रहे हो, बंद करो उसको। यस आप कह रहे हो, आप मेरे भले ही कह रहे हो मेरे को मुझे पता है, लेकिन आप मेरे से अगर एकदम से वो 2 बंडल बीड़ी के बंद करवाओगे तो मैं छोड़ सकता हूँ क्या, नहीं छोड़ पाऊंगा। आप क्या करो मुझे एक पहले 1 बंडल पीने के लिए बोलो, फिर आधा करो, फिर उसका आधा करो, फिर उसका आधा करो, फिर 2 बीड़ी पे लेके आओ, फिर 1 बीड़ी पे लेके आओ, 1 महीने बाद में आप बोलो कि प्रभु अब तो बंद कर दो, तो समझ में आता है कि उसको बंद कर दूंगा 1 महीने बाद में। लेकिन अगर एकदम से आप अगर मेरी बंद करवाओगे तो आप सोचो कि मेरी स्थिति क्या होगी, मैं पहली बात तो बंद कर नहीं सकता, कर दिया तो मेरे शरीर के अंदर कंपकपी, बहुत सारे अलग अलग साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ऐसे साइड इफेक्ट्स बहुत सारे परिवर्तन बॉडी में लेकर के आते हैं। तो यही आज हमारी जमीन की स्थिति है, बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं एकदम से केमिकल बंद करवाते हैं, जो जमीन हमारी नशेड़ी हो चुकी है एकदम से यूरिया डीएपी बंद होते होता क्या होता है, उस जमीन कुछ कुछ पैदावार हल्की उसमें थोड़ा 20-19 का फर्क आ जाता है। हालांकि बहुत सारे हमारे किसान बोलते हैं यस हमें नहीं डालना, ऐसे किसान मिलते हैं वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी किसी का आप एकदम से यूरिया डीएपी बंद मत कराओ, पूरी फसल पर डालो, इसकी भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। मतलब ये तीसरा मेरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, आप इसको देखना, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप जिसको आप प्लान देते हो जिसके आप साथ मीटिंग करते हो उसके अगर घर में 10 बीघा जमीन है तो आप उसको ये बोलिए कि आप 10 बीघा पे पूरी पे मत डालो, क्योंकि आप अगर आपके 10 बीघा आप 2 बीघा या 1 बीघा मेरे कहने से करो, बाकी 8 बीघा जो आप करते हैं वैसे करो। इसका मेरा जो बताने का उद्देश्य ये है कि अगर अगला 10 बीघा में पूरी में हमारा परचेज उसको डालता है तो कई बार होता क्या है कि उसको रिजल्ट तो बहुत अच्छा मिलता है लेकिन वो उसको अंतर कर नहीं पाता है कि पहले जो मैं डाल रहा था उसमें और इसके डालने के बाद में कितना अंतर मेरे को मिला, वो उसको डिफाई अंतर नहीं कर पाता। साथ में हम चाहते हैं कि उसको अंतर भी मिले और हम ये भी चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि मौसम की ऐसी मार होती है जिसके सामने दुनिया की कोई भी ताकत कुछ उसका जोर चलता नहीं है, तो हम तो है ही कौन सा, तो ऐसी जो मौसम की जो मार होती है उस वक्त किसान को बड़ा कोई नुकसान नहीं है। और इसके लिए मैं आपको बार बार ये बोलूंगा कि हमेशा जब पहली बार आप यूज करवा रहे हो उसको 1 बीघा में 2 बीघा में कराओ, जब उसको रिजल्ट मिलेगा किसान को डेफिनेटली रिजल्ट मिलने ही वाला है, जब उसको रिजल्ट मिलेगा वो आपसे बिना पूछे 10 बीघा करेगा, जिस दिन 10 बीघा करेगा आपका टेंशन कम। तो मैंने कहने वाला उसका पूरा पूरी फसल को उसको यूज मत कराओ। साथ में कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि साहब कुछ लोगों तो बालों में भी काम है, मतलब ये मैंने लिखा है कि ऐसे लोग होते हैं जो बाल धोने में भी इसमें भी काम में लेते रहते हैं। तो मेरा कहना मतलब है कि इस तरह का जो गलत तरीके से आप लोगों को बता करके गलत तरीके से आप लोगों का सेल करोगे तो आपको इसका रिजल्ट प्रॉपर मिलने वाला नहीं। लेकिन मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इधर चिड़ावा साइड में गया था एक बार तो मैंने देखा, बोला रहे सर बोले क्या बात करते, बोले आपका इंटेक्ट चरम रोग के ऊपर काम आता है। अरे यार कंपनी ने उसको बनाया है आपको फसल में डालने के लिए, आप मिट्टी में डालने के लिए उसकी कंपनी ने उसको तैयार किया है, आप उसे चरम रोग ठीक कर रहे हो। आपके पास में क्या रिजल्ट आ रहा है, कैसा आप उसको काम में ले रहे हो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा आप लोगों से ये कहना है कि जो इस प्रोसेस की जो फिलोसॉफी है जो कंपनी ने दी है उसी फिलोसॉफी को लेकर के आप मार्केट में जाते हो तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपका काम लंबे टाइम तक चलने वाला है। अगर आपने कस्टमर को पहले टाइम अगर उसको सही तरीके से इस प्रोडक्ट की फिलोसॉफी बताई है तो वो कस्टमर 100% रेगुलर वो प्रोडक्ट यूज करेगा। और अगर आपने जो भी मैंने स्लाइड पर लिखा है अगर आप इस तरह से उसको आप एक प्रोडक्ट सेल करके आ रहे हो तो वो प्रोडक्ट एक बार तो यूज होगा लेकिन सेकेंड टाइम वो किसान वो आपको उस खेत में घुसने भी नहीं देगा। तो मेरा कहने मतलब ये कि आप जो हमारा कंपनी जो हमें बोलती है कि इस प्रोडक्ट का प्रॉपर जो फिलोसॉफी है वही बता करके आप काम में लो। फिलोसॉफी क्या है, हमारे पास कोई दवाई नहीं, हमारे पास
वो जो हार्मोन्स है जो जमीन में कम हो जाते हैं उसको हम जमीन में डालते हैं, यूरिया डीएपी की वजह से वो हार्मोन्स खत्म हो गए, उसमें जो पोषक तत्व थे वो जमीन से खत्म हो गए, हम उसको डालेंगे उसकी वो पूर्ति करेंगे, जमीन वैसी बन जाएगी और पेड़ को प्रॉपर ग्रोथ मिलेगी, पेड़ काम करेगा, पेड़ आगे बढ़ेगा, पेड़ में प्रॉपर जो है ना कि जिस तरह से जो पहले हमारी खेती होती थी वैसी खेती होगी, ये इस हमारे पड़ोस की फिलोसॉफी है। तो यही चीज बता करके आप आगे बढ़ो, ये चीज बता करके आप कस्टमर को इसको सेटिस्फाई करो। थोड़ा आगे चलता हूँ, जैसे अभी हमारा अगर रॉन्ग सेलिंग हम बात करते हैं हेल्थ को लेकर के, तो हेल्थ को लेकर के बहुत सारे इश्यूज हमें सुनने को मिलता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इश्यू की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा कि नटसब के प्रोडक्ट खाओ और आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। मतलब आपने ऐसी जड़ी बूटी उसको दे दिया, ऐसा जादू मंत्र उसने आपको आपने उसको दे दिया कि एक बार नेचर अमोर खा लिया जिंदगी में कभी बीमार पड़ेगा ही नहीं। ऐसा कभी हुआ क्या? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अरे आप ये सोचिए कि आज हम कौन होते हैं इस मानव के शरीर को बदलने वाले, ये जो भगवान की जो दी हुई अमानत है हमें, भगवान जैसा चाहेगा उस तरह से जो प्रकृति जो चाहेगी उस प्रकृति के अनुसार शरीर बनता है, ढलता है, मौसम बदलता है, उसके अनुसार शरीर के अंदर अलग चीजें आती हैं, उम्र ढलती है उसके अनुसार शरीर में परिवर्तन आते हैं। लेकिन हम ये बोलते हैं कि यार एक बार नेटसब का हमारा प्रोडक्ट यूज करो, आप कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे। कभी डॉक्टर, हम डॉक्टर हैं क्या? डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर होते हैं वो ही गारंटी नहीं देते, आदमी के शरीर को हम लोग बदल नहीं सकते। तो कभी भी आपको ये गारंटी नहीं देनी कि यस आप नेटसब का एक बार प्रोडक्ट खाओ आप कभी जिंदगी बीमार नहीं पड़ोगे। वो सारे लोग क्या बोलते हैं, दो चार डिब्बे नेचर अमोर के खाओ और जिंदगी भर के लिए एसिडिटी खत्म। मैंने सुना ऐसे बहुत सारे लोगों से और देखा है मैंने। आप कभी भी आपको ऐसा बोलना नहीं कि एक बार दो चार डिब्बे खा ले जिंदगी भर के लिए एसिडिटी खत्म होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि एसिडिटी जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड किस पे करता है, उस शरीर पे हम लोग खाते हैं, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे उसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है। उसी के अनुसार एसिडिटी बनना कम होना ज्यादा होना उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन खान पीन हमारा ऐसा है उसको हम कैसे उसको रोक पाएंगे? तो नेचर अमोर हम जो लेते हैं उसको कंट्रोल करता है, लेकिन खत्म हो जाए जिंदगी भर के लिए, एक बार ले लिया जिंदगी भर के लिए खत्म होगी संभव नहीं है। अब हमारे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, पायस जिंदगी भर के लिए गायब हो जाएगी। मतलब दो चार डिब्बे इसके नेचर अमोर के खाओ जिंदगी भर के लिए पायस गायब हो जाएगी। ऐसा कमिटमेंट आप मत करो, ऐसा रॉन्ग तरीके से उसको सेल मत करो। आपको कभी भी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे। मतलब एक बार नेटसब का कुछ नेचर अमोर लिया या कोई प्रोडक्ट आपने यूज किया जिंदगी में कभी आप बीमार पड़ोगे नहीं। साथ में बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे साहब आप क्या बात करते हो, हमारे नेचर अमोर के दो तीन डिब्बे पियो जिंदगी में आपका कैंसर आपका जो है वो कैंसर खत्म हो जाएगा, कभी कैंसर होगा ही नहीं। ऐसे क्रिटिकल बीमारी के लिए हमारे लोग ऐसे बोलते हैं। अरे हमारे पास वो दवाई नहीं है जो ऐसी खतरनाक जो बीमारी है उसको डॉक्टर जो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम बोलते हैं साहब कैंसर तुरंत खत्म हो जाएगा। ये बहुत गलत तरीके से आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं बोलना है। और जैसे बोलते हैं वो आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जानता भी यहाँ पर, तो आपको ऐसे कभी आज के बाद ऐसा बोलना नहीं है। यहाँ पर शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी। मतलब हेल्थ को लेकर के जो हमारे प्रोडक्ट है हेल्थ वाले, इनको लेकर जो मैंने यहाँ पर पांच छह तरह के जो पॉइंट्स यहाँ पर डाले हैं, इनको लेकर के हमारे लोग मार्केट में जाते हैं और इस तरह की जो उसकी मार्केटिंग करते हैं, ऐसी की मार्केटिंग हमें रेगुलर टर्नओवर नहीं दे सकती, हमें रेगुलर टीम में नहीं रह सकती। इसकी वजह से हमारी टीम चली जाती है, हमारे यहाँ से निकल जाती है। तो आपको इस तरह का रॉन्ग सेलिंग नहीं करना है। यहाँ पर मैंने लिखा कि साथ में हम डॉक्टर नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है कि इस तरह की हम लोग गारंटी दे रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर तुरंत किसी भी प्रोडक्ट का कोई रिजल्ट आता नहीं है। रिजल्ट क्यों नहीं आता कि शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका शरीर किस तरह का बना हुआ है। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग उसका नेचर होता है उसका शरीर का। जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि हम चार लोग एक समूह के अंदर है, चारों को जुकाम लग जाता है और हमें डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करता है कि वो हम चारों को एक ही दवाई देता है जुकाम की। एक व्यक्ति के शरीर पर वो 10 मिनट में आराम कर रही है, एक व्यक्ति के शरीर पर वो 20 मिनट में, एक आधे घंटे पर, हो सकता है कि एक की बॉडी पर वो असर नहीं करे। तो ऐसे ही हम सब लोगों का शरीर अलग अलग होता है। हम सब लोगों का खेत, जो इस खेत पे हम इस प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं उसका अलग अलग उसका खेत होता है, अलग अलग उसका शरीर होता है। तो कहाँ पर रिजल्ट जल्दी आ रहा है, कहीं पर रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाएगा, कहीं पर जो है आपको लेट मिल जाएगा। मिलेगा जरूर, लेकिन शरीर पर डिपेंड करेगा। ये आपको बात बोलनी है। आपसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या साहब आप इसका रिजल्ट क्या रहेगा, हम बोलते हैं यस सर 5 दिन आप लोग 5 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 5 दिन में नहीं, आप उसको बोलो साहब शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह का आदमी का शरीर होगा उसके अनुसार उसको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर 100% मैं बोल सकता हूँ। किसी को 5 दिन में, किसी को 1 महीने में, किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में भी। ऐसे ऐसे लोग देखे जिसको 12 महीने हमारे पड़ोस को यूज किया है और 12 महीने तक भी उसको उसका बहुत शानदार बहुत बेहतरीन उसको रिजल्ट मिला है। तो ऐसा करके उसको बोल सकते हैं हम कोई दवाई नहीं बेच रहे और दवाई बेचने का अधिकार हमारे पास में है भी नहीं। हम कोई डॉक्टर नहीं है जिसकी वजह से हम दवाई बेच रहे हैं, इसके लाइसेंस हमें मिला हो। हम बेच रहे हैं वो फूड सप्लीमेंट है और फूड सप्लीमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो फूड सप्लीमेंट जिस जो हमें खाने के द्वारा नहीं मिलता, मतलब जो हम खाना खाते हैं खाने द्वारा बॉडी में जो फूड सप्लीमेंट जाने चाहिए वो प्रॉपर मिलते नहीं और उसकी कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां शरीर में हो जाती हैं। और ये हमारे जो नेटसब के जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम उसको डाइटरी सप्लीमेंट बोलते हैं, ये हम लेते हैं शरीर में जाते हैं उस पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं और जो बीमारी जिसकी वजह से हुई है वो बीमारी खत्म हो जाती है, हमारे सिद्धांत पे काम करता है। तो हमें कोई दवाई बेचने का अधिकार नहीं, हमारे पास कोई दवाई नहीं है। हम फूड सप्लीमेंट बेचते हैं, साथ में बात करते हैं पोषक तत्वों की, जो पोषक तत्व बेचते हैं, जो पोषक तत्व जो मैंने बताया कि बॉडी में कम हो गए उसकी पूर्ति करते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास इस तरह के जो प्रोडक्ट आते हैं हम इस तरह से उसको
गलत तरीके से उसको मार्केट में सेल करते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं यहाँ पर मैंने लिखा कि इलनेस और वेलनेस। दोस्तों मैं आपको बोल देता हूँ थोड़ा सा, इसका हमारे प्रोडक्ट की जो फिलोसॉफी है वो आप समझ लेना कि दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक होता है इलनेस और एक होता है वेलनेस। मतलब इलनेस मतलब बीमार पड़ने के बाद हम दवा देते हैं, उसका इलाज करते हैं, और वेलनेस मतलब बीमार पड़े नहीं उससे पहले हम उसका इलाज कर ले। तो हम जो काम करते हैं हम इलनेस पे काम नहीं करते, बीमार पड़ने के बाद हमारे बहुत सारे लोग क्या डॉक्टर पेशेंट को ढूंढते फिरते रहते हैं कि शुगर का पेशेंट हमें कहाँ पे मिलेगा, हार्ट का पेशेंट हमें कहाँ पे मिलेगा, जोड़ों के दर्द का पेशेंट हमें कहाँ मिलेगा, और वो मिलते नहीं, फिर बोलते साहब ये तो काम चलने वाला नहीं है। हमें पेशेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम जो लोग काम करते हैं वो हमको दवाई बेचते नहीं है, हम इलनेस पे काम नहीं करते, हम वेलनेस पे काम करते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस पे ये है कि हम ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं या खाते हैं जो जिसकी वजह से लेते हैं तो उसकी जो शरीर में जो पूर्ति होती है शरीर में जाते हैं उसकी वजह से हम बीमार पड़ेंगे नहीं। मतलब जो शरीर में कमी थी उसकी वो पूर्ति कर देंगे, हम बीमार पड़ेंगे नहीं। तो हम वेलनेस इंडस्ट्री पे काम करते हैं। आज के बाद आप ये याद रखो, वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपको बीमार पड़ने ही नहीं देगी, ये वो इंडस्ट्री है, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो आज ऐसा हम इसको करते हैं, साथ में बात करते हैं कुछ ऐसे रॉन्ग कमिटमेंट जो होते हैं उसको लेकर के हम थोड़ा बात करते हैं। तो मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है जब वो प्लान करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो यहाँ पर मैंने स्लाइड के ऊपर लिखा है वो क्या बोलते हैं, अरे साहब आप चिंता मत करो, कुछ भी नहीं करना आपको, 16 लाख महीना आएगा आपके पास में। अरे यार कुछ नहीं करेंगे तो ऐसा कौन सा धंधा है दुनिया के अंदर, ऐसा कौन सा व्यापार है जो घर बैठे बैठे कुछ करना नहीं, हाथ पर हिलाने नहीं है और मैंने 16 लाख आते रहेंगे। अरे 16 लाख तो बहुत दूर बात है, 16 रुपए नहीं आते बिना कुछ हाथ पर हिलाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको कुछ करना नहीं, महीना 16 लाख आएगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आपको कहीं जाना ही नहीं है, घर बैठे बैठे रुपये आएंगे आपके पास। मतलब आप एक आदमी को इधर एक आदमी को इधर ज्वाइन करवा दो। कई लोग तो इसको भी नहीं बोलते, उसके क्या बोलते, अरे साहब एक बार आप ज्वाइनिंग दो, एक बार आप अपनी एंट्री डलवाओ और पैसा दो मुझे, कल ही मैं आपको सामान ला के देता हूँ और मैं आपको 100% बोलता हूँ कि आपके पास में घर बैठे बैठे पैसे आएंगे, ये वो इंडस्ट्री है। अरे वो इंडस्ट्री नहीं है, घर बैठे बैठे पैसे नहीं आने वाले हैं। आप ऐसा कर बोल करके किसी व्यक्ति से गलत तरीके से अगर आप उसको बोल करके प्लान दिखा कर अगर आप पैसा लेके आ रहे हो तो वो व्यक्ति एक बार आपके ऊपर भरोसा करेगा, दोबारा आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, ऐसा हमें नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, केवल 2 आदमी ज्वाइन कराओ साहब। अभी तो बात थी कि एक सिंगल ज्वाइन करते खुद का ज्वाइन होते पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन कई लोगों को मैंने ऐसे भी सुना है कि 2 आदमी, एक आदमी इधर एक आदमी इधर, 2 आदमी ज्वाइन होते आपके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। मतलब हर महीने हर साइकिल में आपके पास पैसा आएगा, ये उसको ये पता नहीं कि वो आदमी आपको चक्कर में 2 ज्वाइनिंग दे देता है। लेकिन होता क्या है कि जब उसके पास वो पैसा आता नहीं है, आप उसको जाके संभालते नहीं है, क्योंकि आपने उसके साथ में गलत तरीके से उसको आपने प्लान मीटिंग की, गलत तरीके से आपने उसको प्लान दिया है, उसकी वजह से वो व्यक्ति आपका इंतजार करता रहता है कि यार कब मेरे पास पैसा आना शुरू होगा, कब मेरे पास पैसा आना शुरू होगा। और जिस दिन उसके पास पैसा नहीं आता वो आपको फोन करेगा, आप उसका फोन उठाना बंद कर देंगे। तो हम इस तरह से नहीं, उसको पूरा परफेक्ट तरीके से प्लान बताओ कि पैसा कैसे आता है, वो सिस्टम उसको बताओ। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, एक लेग में देता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे ज्यादातर, मतलब आज 90% लीडर्स में जो प्रॉब्लम होती है उनमें ये 100% ये प्रॉब्लम आती है कि एक लेग में देता हूँ। अरे हम, मैंने आपको शुरू में बोला कि हमारे सुजीत सर का एक मिशन है, वो ये बोलते हैं कि यही बिजनेस करेगा मेरा और आपका नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी हमारे इस बिजनेस को करेगी। दोस्तों आपको अपलाइन ने क्या बोला, पहली बात तो अगर कोई समझदार अपलाइन हो तो वो आपको ऐसी बात बोलेगा नहीं कि एक लेग में आपको देता हूँ। और अगर कोई गलती से आपको बोल भी देता है तो आपको उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, उसके भरोसे आपको नहीं रहना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगला पीढ़ी कब काम करेगा, यानी कि नॉमिनी फैसिलिटी के माध्यम से हमारे पास पैसा चाहिए या पैसा आना चाहिए, या हम चाहते हैं कि बड़ा करियर हम यहाँ नेटसम में बनाए, सक्सेसफुल करियर हम यहाँ पर बना के लेके चले। दोस्तों ये तभी संभव हो पाएगा जब आप दोनों लेग, क्योंकि हमारा जो प्लान है, जो सिस्टम है, सिस्टम पैसा देगा, ये एक लेग या 2 लेग इस तरह से जो गलत जो कमिटमेंट होते हैं ये पैसा देने वाला नहीं है। अगर हम प्रॉपर जो नेटसम ने जो सिस्टम दिया है, अगर उस सिस्टम को हम प्रॉपर एडॉप्ट करके चलेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। तो आपको मैं आज मैं आपके बोलूंगा कि कभी भी किसी व्यक्ति से ये गलत कमिटमेंट मत करो कि एक लेग में आपको दूंगा। अगले को साफ साफ बताओ कि दोनों लेग पर काम करना पड़ेगा, दोनों लेग पर हम काम करेंगे, दोनों लेग पर टर्नओवर आएगा, दोनों लेग पर हमारे पास पैसा आएगा। और स्पेशली हम बात करते हैं तो इसके नॉमिनी फैसिलिटी की, कि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार के पास पैसा आएगा। और हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं हमारे गेस्ट प्रोग्राम के अंदर कि नॉमिनी सुविधा के अंदर हमारा जो सिमरन रफीक से है उसके पास में आज 13 करोड़ रुपये आ चुका है नॉमिनी सुविधा के माध्यम से। दोस्तों उन्होंने दोनों पैर को इतना मजबूत किया है, अपने दोनों लेग को इतना शानदार तैयार किया है, अपना लेग स्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया है कि आज उनको देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बोलूंगा कि कभी भी किसी से ऐसा कमिटमेंट मत करो, और किसी ने किया है तो वो अपने उसके ऊपर डिपेंड मत रहो, खुद के ऊपर अपने दोनों लेग पर खुद का कमांड करके चलो। साथ में एक बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम आती है, हमारे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, साहब आप एक बार ज्वाइन करो, 15 साल बाद में आपको 10 लाख रुपये आपके घर में आएंगे। हमारा प्लान ये नहीं बोलता है कि आप 15 साल काम कर इसको, आपने नेटसम को ज्वाइन किया और ज्वाइन करो आप घर बैठ जाओ
आराम से आप चद्दर उड़ के सो और 15 साल जैसे हो जाएंगे, आप जग जाओ और बोलो साहब मेरा 10 लाख का चेक आने वाला, आप उठा करके और अपलाइन को फोन करेंगे, यस साहब मेरा उसका 10 लाख का क्या हुआ? ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति आपको ऐसा बोलता है उसको पूछिए कि इसका 15 साल में क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। आप प्रॉपर काम करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, ऐसा नहीं कि जो नहीं लगा कि छोड़ दिया आपके पास पैसा आ जाएगा। और साथ में एक बहुत बड़ी एक आदत होती है हमारे लीडर्स के अंदर, वो क्या बोलते हैं साहब ज्वाइन करते ही बीमा चालू, मतलब जो बोलते हैं कि आपको 2 लाख से लेकर के 25 लाख तक का जो आपको एक फैमिली प्रोटेक्शन प्लान मिलता है, ज्वाइन करते ही चालू नहीं होता है। इसकी मैं बात बोलता हूँ कि ये 2 लाख की इनकम के बाद, जब आप 2 लाख की इनकम तक पहुंच जाते हो, हम ये मानते हैं कंपनी मानते हैं कि आप यहाँ पर परमानेंट आप फिक्स हो गए यहाँ पर और आप एक लेवल पर हैं। यहाँ से कंपनी अपना दायित्व ये समझती है कि हमारा लीडर परमानेंट है और इस लीडर के परिवार को प्रोडक्शन देना हमारी जिम्मेदारी, हमारी लाइबिलिटी है, तो वहां पर आपका ये बीमा चालू होता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से इसको सेल करते हैं कि साहब आपका यहाँ पर ज्वाइन करता है आपका बीमा चालू हो जाएगा। उसके बाद इनकम के बारे में झूठ बोलता है, कमाते वो कुछ है बताते कुछ है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बात यहाँ पर करता हूँ कि टाइम देने के बाद, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, शायद अभी आपके आसपास में कोई लीडर बैठे हुए हैं जिसके साथ में आपका तालमेल है, उसको देखिए कि टाइम देने के बाद वो प्रॉपर पहुंचते नहीं है। अभी सुबह उठते हैं बात करते हैं, यस सर मैं आपके पास में आ रहा हूँ और मैं आपके पास 11 बजे पहुंचता हूँ, दिन भर आपके साथ में रहूंगा, पता चला कि उसको टाइम दे दिया चले गए कहीं और जाकर के, या फिर उसके बाद फिर फोन उठाना बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें टीम में देखने को मिलती है। इसकी वजह से होता क्या है कि वो लीडर जो आपके डाउनलाइन है, वो आपको फोन कर रहे हैं, एक बार फोन करेंगे आप उसको, एक बार आप उसको झूठ बोल सकते हैं, दूसरी बार वो फोन करेगा आप दूसरी बार उसको झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वो तीसरी बार फोन कर रहा है, चौथी बार फोन कर रहा है, बार बार फोन कर रहा है आपको, और फिर आप उसको झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। एक दिन आकर के धीरे धीरे होगा क्या, वो आपके ऊपर भरोसा करना बंद कर देगा और क्या बोलेगा, ये आदमी बहुत गलत है, इस आदमी साथ मुझे काम नहीं करना। वो आदमी काम करना चाहता है, बहुत अच्छा लीडर है, आगे बढ़ना चाहता है, नेटवर्क को लेकर उसका विजन क्लियर है, लेकिन हमारी वजह से, हमारे गलत कमिटमेंट की वजह से वो व्यक्ति साइड में हो जाता है और वो कोई दूसरा रास्ता तलाशने लग जाता है। आपको ऐसा नहीं करना। अगर या तो आप अगले को टाइम दो मत, और टाइम दिए है तो टाइम से परफेक्ट उसके पास पूरा उसी टाइम के अकॉर्डिंग आप उसके पास पहुंचो। आपने बोला कि यस मैं आपके पास में दिन में 11 बजे पहुंच रहा हूं, तो 11 बजे ही पहुंचो, 11:15 मत करो। और ये मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं इसके लिए बहुत पाबंद हूं, जब किसी को टाइम दिया तो भले ही वहां 5 मिनट पहले पहुंचो लेकिन टाइम से पहुंचो। आप कभी भी 5 मिनट भी अगर आप लेट हो तो आपके ऊपर से भरोसा उड़ जाएगा। ये एक लीडर की एक पहचान होती है, आप टाइम से पहुंचोगे, टाइम जो दिया उसके टाइम के ऊपर प्रॉपर पंचुअलिटी का उसका ध्यान रखो। साथ में आप एक और आपको मैं बात बोलना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे लीडर करते हैं, जाते हैं टीम के ऊपर प्लान करते हैं, जो उसके अंदर बहुत बड़ी बात वहां पर बोल करके आ जाता है, क्या बोलते हैं इनाम लगा देते हैं, साहब मैं आपको इतना करोगे मैं आपको ये दूंगा या आपको ये देने वाला हूं, और बहुत सारे अलग तरह के इनाम लगा देते हैं। अरे या तो आप बोलो मत मेरे भाई, और अगर आपने बोला है तो चाहे आपके पास आया या नहीं आया वो एक अलग बात है, लेकिन आपने अगर अपने मुंह से उस लीडर को, अपने डाउनलाइन को, किसी को कुछ बोला है तो उसको पूरा निभाओ, वो दो उसको। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बोल दिया, आपने उसको बाद में सुध ली नहीं और वो बंदा देखता है यार इसने बोला हुआ मेरे को कुछ देगा, आपको याद है, आप फिर भी आप भूल गए हो। और होता क्या है, धीरे धीरे करके वो लीडर सोचता रहता आपको फोन करेगा, आप उसको इग्नोर करते रहोगे और आपका विश्वास, आपका जो जिसकी मैं बात करता हूँ नाम को जो ब्रांडिंग बनाने की, वो आपका विश्वास वहां से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आती है, लोगों के प्रोडक्ट लेते हैं और खुद ही काम में लेते हैं और खा जाते हैं। और ये मैं अक्सर देखता हूँ कि डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में भी चलता रहता है, और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को मैंने सॉर्ट आउट किया है और आज भी बहुत सारे लोगों के बीच में प्रॉब्लम है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि पहली बात तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ये प्रोडक्ट का लेन देन करो ही मत ना, और करते हो तो परफेक्ट तरीके से करो। कि करो क्यों नहीं, क्योंकि कंपनी क्या बोलती है कि सीधा आप कंपनी से परचेज करो, स्टॉक से परचेज करो, आपको वहां से डिस्काउंट से मिलने वाला है, तो फिर कहां जरूरत है हमें डाउनलाइन से लेने की, कहां जरूरत है हमें अपलाइन से लेने की। और अगर लिया भी तो ऐसा व्यवहार वहां पर रखो कि आपके बीच में तालमेल प्रॉपर होना चाहिए। इसको लेकर के मैंने देखा बहुत सारे लोगों में विवाद हो जाता है, और वो विवाद ऐसा होता है कि वो डाउनलाइन और वो ऑफलाइन दोनों के दो रास्ते हो जाते हैं, अपलाइन इधर जाता है और डाउनलाइन इधर जाती है। जिंदगी में कभी उनकी आंखें आपस में मिलती नहीं है। अच्छा भला काम चलते आप लोगों ने अपने जानबूझ के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार करके उस काम को बंद कर दिया। कभी भी ऐसा व्यवहार मत करो। उसके लिए स्पष्ट आप सीधा ये कि उसका लॉगिन करो, लॉगिन करके और सीधा उसको कंपनी से परचेज कराओ। इसके लिए आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है, लेकिन आपको तकलीफ उठाने के लिए, टीम को अच्छी बनाने के लिए, आपकी टीम को बना के रखने के लिए, टीम में विश्वास बना के रखने के लिए ये तकलीफ उठाना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आगे चलता हूँ, तो यहाँ पर लिखा है मैंने कि लोगों से रुपए लेकर के लोग खा जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये हमें राइट नहीं है, हमें अधिकार नहीं है, यह अधिकार हमें किसी ने दिया नहीं है कि आज डाउनलाइन जो इसका हम पैसा लेकर के आते हैं, प्लान करते हैं, वहां पर बैठ करके उसका लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद वहां से हम नगद पैसा निकालते हैं। होता क्या है, उस पैसे को लेकर के हम जेब में डाल लेते हैं, अपना खुद का काम निकालते हैं। खुद का काम मतलब खुद के घर में काम ले लिया और एक एक महीने तक, दो दो महीने तक उस पैसे को हम काम में लेकर रखते हैं।
और वो जो बंदा जो काम करना चाहता है, जिसने आपको पैसा दिया बहुत बड़ी उम्मीद के साथ में, यस ये रामनिवास मेरे पास में, इसको मुझे पैसा देना चाहिए, और पता चला कि रामनिवास पैसे लेके गायब हो गया और दो महीने उसकी सुधबू लेता नहीं है, दोस्तों वो आदमी जो बंदा है आपका इंतजार करा कि मेरे पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, मैं उसको काम में लूंगा, एक बहुत उम्मीद के साथ वो सोचता है कि मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपको पैसा दे रहा है, और आप हो कि उसको पैसे लेके गायब हो गए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे लीडर्स ऐसा करते हैं। मैं आपको बोल देता हूँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी टीम को खत्म करने का। ये दो दसवां पॉइंट और जो ग्यारहवां पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपकी टीम खराब होती है। एक आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आठवां पॉइंट जो मैंने लिखा है, नौवां पॉइंट जो मैंने लिखा है, चारों पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा टीम आपका कोलेप्स हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, ऐसे झूठे वादे किसी के साथ मत करो। जिसका पैसा लिया प्रॉपर उसका लॉगिन करके, उसका बिल कटवाकर उसके घर पे सामान पहुंचाओ, उसका प्रॉपर बिल देकर के आओ कि तेरा ये सामान है, उसको बताओ प्रॉपर। इसकी वजह से आपका ब्रांड वैल्यू, जो आपका नाम है ना, वो मार्केट में आपका नाम धीरे धीरे करके बन जाए। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि विलास थोराट सर या हमारे मुकेश सर हैं, अरे ये ऐसे थोड़ी ब्रांड बने हैं, उनको आज 20-20 साल हो गए काम करते हैं। 20 साल में इन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम झेली होगी, बहुत सारे लोगों को इन्होंने कन्विंस किया होगा। आज इनका मार्केट में नाम इसलिए बिकता है कि इन्होंने कभी भी किसी के साथ ऐसा धोखा नहीं किया, तब जाकर के आज इनका ब्रांड वैल्यू बना है यहाँ पर। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि कभी भी किसी के साथ पैसा लेकर उसको काम में मत लो दोस्तों। हमारी प्रॉब्लम है वो अलग है, हमारी प्रॉब्लम को हमें खुद के अनुसार झेलना पड़ेगा, खुद के अनुसार उसको निपटना पड़ेगा, लेकिन हमारी टीम के पैसे से हमें खेलने का अधिकार नहीं है। बात करता हूँ आगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग मोबाइल पे झूठ बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मैं बैठा तो घर पे हूँ, घर पे आराम से सो रहा हूँ, लेट रहा हूँ, और लोग क्या बोलते हैं, यस सर मैं अभी पहुंच गया अरवाड़ा घाटी, अभी फील्ड पे सर मैं प्लान कर रहा हूँ। अरे यार आप एक बार झूठ बोल दोगे, ये जो मोबाइल इसने झूठ बोलना सिखाया है, लेकिन ये सच को भी पकड़ता है। एक बार आप झूठ बोल दोगे, दो बार आप झूठ बोल दोगे, तीसरी बार जब आप पकड़े जाओगे तो आपकी टीम आपके ऊपर से भरोसा करना बंद कर देगी। क्या बोलेगी, यस ये मेरे डाउनलाइन मेरे को झूठ बोलती है, ये होता कहां पर, मैं इसको चाहता हूँ इसको टाइम दूं, इसके साथ जाके काम करूं, साथ प्लानिंग करूं, उसका चेक बड़ा करूं, और ये मुझे झूठ बोलता कि बैठा घर पे और ये बताता कहीं और है जाकर के। या फिर डाउनलाइन क्या समझती कि मेरा सीनियर है, मैं इसको बुलाना चाह रहा हूँ कि मेरे को काम करना, मेरे को आज चार आदमी एक अच्छे लीडर मेरे पास में आए हैं, उनकी मीटिंग मेरे को करवानी है, लीडर बैठा है घर पे और बोलता था मैं फील्ड पे आ जाऊँ, टाइम दे सकता। ऐसा ये जो प्रॉब्लम आती है अक्सर ज्यादातर हमें टीम में देखने को मिलती है, मोबाइल पर झूठ बोलना ये बंद करो। जैसा हो जहां पर हो वैसा बताओ, कुछ नहीं उससे क्या होगा कि एक बार आप बताओगे, हो सकता है कि आपने सच बोला, मैं घर पे बैठा हूँ आज नहीं आ सकता आपके पास में, हो सकता है कि आपकी डाउनलाइन को एक बार ये बात अखरेगी, हो सकता है कि आपके अपलाइन को एक बात बुरी लगे, लेकिन जब आप सच बोलेंगे सामने वाले को आपकी मतलब सच्चाई का पता चलेगा, आपके ऊपर धीरे धीरे उसका विश्वास बनेगा, वो एक व्यक्ति सोचेगा कि यस ये व्यक्ति सच बोलता है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये हमारी ब्रांड वैल्यू बनाता है, हमारे नाम को आगे बढ़ाता है। उसके बाद में बात करता हूँ, तो झूठ बोल करके मीटिंग में लोगों को लेकर के आते हैं लोग, क्या बोलते हैं, अभी हालांकि हमारा ये अभी ऑनलाइन चल रहा है, अभी आप घर पे बैठकर सब अपने घरों में बैठ के मीटिंग देख रहे हैं, लेकिन जब हमारा ऑफलाइन जो मीटिंग होता है, तो मीटिंग होता है हमारा दो घंटे के लिए, और लोग क्या बोलते हैं, केवल आधे घंटे का मीटिंग है, चलो चलते हैं मीटिंग देखते हैं, उसके आधे घंटे बाद में आपको फ्री कर दूंगा, आप अपने घर पे आ जाओगे यहाँ पर। और वो व्यक्ति जब कुछ खाता पीता नहीं है, उसका जो कोई अर्जेंट काम है एक घंटे बाद में, उसको छोड़ करके आपके साथ में आता है बेचारा, और वो वहां पर आते हैं, आप उसको दो घंटे के लिए उसको ऐसा पैक कर देते हो, बैठा बैठा अंदर अंदर उसका पेट में चूहे कूद रहा है, और वो आपको बैठा बैठे बोला यार तूने मेरे अंदर बहुत बुरा किया भाई, अरे कम से कम मेरे को इतना बोल देता कि मैं दो घंटे वहां पर लगने वाले, मैं नाश्ता तो करके घर से निकलता, या तो मेरे को ऐसा बोल देता कि मेरे को दो घंटे वहां पर लगने वाले हैं, मेरा जो कोई अर्जेंट काम था वो मेरे बेटे को बता के आता है, मेरी वाइफ को बता के चलता हूं, तो आदमी मैनेज कर लेता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप झूठ बोल करके किसी व्यक्ति को मीटिंगों में या इस नंबर लेकर आओ, सच बोल कर उसको मीटिंग में बैठाओ, साथ में मीटिंग आधा घंटे की आप उसको कुछ अलग बोल के लेकर आओ, जो अभी मैंने बोला था। तो इस तरह के जो गलत कमिटमेंट जो हमारे लोगों के होते हैं, लीडर्स के होते हैं, लीडर्स को ये शोभा नहीं देता है, लीडर्स के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। लीडर्स की पहचान जो मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर तरीके से जानी चाहिए। हम यहाँ पर थोड़ा आते हैं क्लोजिंग को लेकर के, जो मैंने अभी बोला कि बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं, इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ा हम उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा कि झूठ बोलने से आपका इमेज, आपका भरोसा खत्म होगा, और 100% खत्म होता है। एक बार झूठ चलेगा, दो बार झूठ चलेगा, तीसरी बार आपका झूठ नहीं चलने वाला है, आपका इमेज खराब हो जाएगा धीरे धीरे करके, आपको वो लोग पूछना बंद कर देंगे, आपका टीम पूरा आपके हाथ से निकल जाएगा। साथ में बोला कि एक बार झूठ बोलने से बार बार झूठ बोलना पड़ता है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। एक बार जैसे आज मैं घर पे बैठा हूँ, आप हो सकता है कि मेरे से मिलने के लिए मुकेश सर यहाँ पर घर पे आ गए, पड़ोस में कहीं है, वो आके फोन करते हैं कि सर मैं आपसे मिलना चाहता अभी, या आपसे कोई काम था, कहाँ पर अभी। मैं बोलता हूँ सर मैं तो अभी चोमू पहुंच गया, जबकि मैं बैठा घर पे हूँ, और मुकेश सर की गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी है, मैं अंदर बैठा हूँ, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी, वो क्या सोचेंगे यार कितना बेवकूफ आदमी है, क्या वो आदमी मेरे ऊपर कभी भरोसा करेंगे, क्या कभी नहीं करेंगे। तो मेरा कहना मतलब कि अच्छा फिर उस झूठ को छुपाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और कई तरह की झूठ बोलनी पड़ेगी, नहीं सर मेरे को ऐसा था, मेरे को वो था, ऐसा सोचा मैंने, वैसा सोचा, मतलब एक बात को दबाने के लिए, एक झूठ को दबाने के लिए बार बार कई झूठ बोलने पड़ेंगे। कभी मत करो ऐसा, क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर ऐसा नहीं चलेगा, एक बार चल जाएगा लेकिन बार बार नहीं चलेगा। साथ में होगा क्या कि ऐसा अगर हम झूठ बोलेंगे तो दोस्तों रातों की नींद खराब हो जाएगी, आपको लोग रातों सोने नहीं देंगे, रातों आपका मोबाइल बजेगा,
आप 12 बजे बोलोगे यार क्या फफूंद, क्या मैंने ये आफत मोल ले ली यार, क्या मैं किस बिजनेस में अंदर घुस गया यार, ऐसा मेरे साथ में होता है। ये किसके साथ में होता है? जो अभी मैंने इससे पहले बोला, वो इस तरह की गलत तरीके से जो काम करते हैं मार्केट के अंदर, गलत तरीके से जो बिजनेस करते हैं, उनकी रातों की नींद खराब हो जाती है। आपकी रातों की नींद खराब नहीं हो, इसलिए जो नेटसप सिखाता है, जो नेटसप बोलता है, नेटसप का जो सोच है, उसको लेकर के आगे बढ़ो। 100% आप रात को बिंदास चैन की नींद सोओगे, आपको एक भी फोन रात को नहीं आएगा, क्योंकि आपने सच बोला, सच बोल के आपने काम किया है। तो ये ताकत हमें आगे बढ़ाएगी। साथ में यहाँ पर बोलता हूँ कि लोग रात को सोने नहीं देंगे, आप बेचैन हो जाओगे आप, और आपको होगा क्या, साथ में बहुत बड़ा नुकसान जो क्या होता है, आपकी फेस वैल्यू खराब होगी, आपका ब्रांडिंग खत्म होगा, आपकी टीम खत्म होगी, आपने जो सपने संजोए हैं वो आपके सपने टूटेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है, जिस ब्रांड की जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार, नेटसप को लेकर के, यानी कंपनी का नाम भी इसमें बदनाम होता है। और आप मेरी वजह से, जैसे आज मेरे एरिया में अगर ये कंपनी को मैंने बदनाम किया है, तो कोई अगर दूसरा लीडरशिप यहाँ पर काम करने के लिए आता है, तो उसको भी काम करने वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्या बोलता है, मैंने देखा था पहले, मैं नेटसप में ज्वाइन हुआ था, वही कंपनी है क्या, ऐसा बोलता है। तो आपको सही तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, सही तरीके से आपको प्रोडक्ट को सेल करना है। धीरे धीरे जो हमने सपने संजोए हैं वो धीरे धीरे हमारे टूटते जाएंगे, और एक दिन करके आते 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 सपनों का हमारा ये होगा कि जो मंजिल हमने जो 15 मंजिल की, 16 मंजिल की, 16,38,000 हमने जो पहुंचने का जो सपना संजोया था, वो धीरे धीरे करके हमारी मंजिल गिरने लगेगी, और ऐसी गिरेगी कि धड़ाम से हमें सतुना भी नहीं बैठेगा। दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि जो हमने शुरू में जो मैंने आपको बोला था कि जो हमारी जो टीम, एक टीम के माध्यम से एक टीम एक सपना, कल हमारा अपना, इसको लेकर के जो हम लोग आगे बढ़ते, हर एक लीडर का एक सपना होता है, हर एक लीडर की सोच होती है, ये धीरे धीरे करके आपकी टीम, आपकी पूरा सपना आपको टूटने लग जाएगा, और एक दिन आपको घर बैठना पड़ेगा। और जिस दिन आप घर बैठ जाओगे, उस दिन आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, आप क्या बोलोगे कि आज के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग से हाथ जोड़ता हूँ, तौबा करता हूँ, किसी भी कंपनी में ज्वाइन हुआ मैं, अरे गलती कंपनी की नहीं है, गलती नेटसप की नहीं है, गलती हमारी है, जिसकी वजह से आज हम घर पे बैठे हैं। और मैंने यहाँ पर लिखा है कि सब टूट जाता है और एक दिन एक ही बात मुंह से निकलती है, और क्या निकलती है कि सभी कंपनियां एक ही होती है, आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि किसी भी कंपनी में काम नहीं करूंगा। ये होता है, और मैंने देखा है, क्यों हम फील्ड पे जाते हैं, लोगों के मुंह से सुनते हैं, ये उन्हीं की जुबानी है, और उन्हीं की जुबानी को आज आपके सामने मैंने रखा है। ऐसी सोच को लेकर के लोग अपने सपने को तोड़ देते हैं, लोग अपने परिवार का नुकसान कर लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आज हम अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम नेटसप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि जो छोटी छोटी जो कमियां, जो गलतियां जो मैंने आपको बताई है, इसकी वजह से हम बहुत बड़ी टीम बनाने से हम चूक जाते हैं। ये गलतियां आपको दोस्तों नहीं करनी है, आज के बाद आप इसका सुधार करो। जो आपकी टीम में कर रहा है उसको आप बोलिए कि ऐसी गलती वो नहीं करें, किसी के साथ में गलत तरीके से हमारे प्रोडक्ट को आप सेल मत करो, गलत तरीके से किसी के साथ में कुछ ऐसा गलत कमिटमेंट मत करो कि जो आपके आने वाले टाइम के लिए आपके लिए फफूंद खड़ी हो जाए, या आने वाले टाइम के लिए आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। ऐसा गलत काम हमें नहीं करना है। 100% मैं आपको बोल सकता हूँ, हम भी नेटसप में एक ब्रांड बन सकते हैं, हमारा नाम नेटसप में खुल सकता है, हमारा नाम जो है नेटसप के अंदर बिकना चालू हो जाएगा। यस, हमें उस व्यक्ति के, उस लीडर के साथ में काम करना है, जैसे कि आज हम धड़ल्ले के साथ बोलते हैं, यस हमें प्राउड है, हमें गर्व है कि आज हम मुकेश सर की टीम में हैं। यस, हमें अपने आप के अंदर प्राउड है कि हम विलास थोरा सर की टीम में हैं, और यस हमें प्राउड है, हमें अपने आप को बहुत प्राउड हम फील करते हैं कि हम नेटसप के अंदर हैं। दोस्तों ये ताकत है ब्रांडिंग की, ये ताकत है सही तरीके से आगे चलने की, सही तरीके से प्रॉपर टीम को ट्रीट करने की। तो ये मेरा सेशन जो था यहाँ पर, मैंने आपको लगभग, मैंने आपका करीबन 1 घंटा लिया है, ये यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा यहाँ पर तक सेशन था। लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि ऐसे ब्रांडिंग जो करने वाले जो लोग हैं, ये भी मेरा सेशन खत्म नहीं, आप लोग जाना नहीं है, जो ऐसी ब्रांडिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग हमारे बीच में हैं, जिनकी मैंने अभी चर्चा की यहाँ पर, ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जिनका ब्रांड की मैं बार बार बात करता हूँ, मुकेश सर हमारे बीच में, जिनकी उंगली पकड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं एक बार आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा मुकेश सर को, कि वो आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार मुकेश सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। और एक बार जहां पर भी आप बैठे हैं, तहे दिल से एक बार सैनी जी के लिए मैं चाहूंगा जोरदार वाली क्लैपिंग होनी चाहिए, वर्चुअल क्लैपिंग, नो प्रॉब्लम। एक शानदार और एक जो रियल में फील्ड पे आने वाला जो प्रॉब्लम्स है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फर्श से अर्श तक जो पहुंचे थे, और फिर अर्श से फिर वापस फर्श तक आ गए, उसके पीछे का जो मेजर प्रॉब्लम रहता है वो रहता है रॉन्ग कमिटमेंट एंड रॉन्ग सेलिंग। और ये एक जो टॉपिक आज सर ने लिया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, और मुझे भरोसा है कि आपके सब के लोगों के जो आने वाले दिनों का जो आपका सफर रहेगा, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा काम आपको आएगा। दोस्तों मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जैसे मुर्गा होता है, और मुर्गे को आप कितना भी ढक के रखोगे तो सुबह 5 बजे चिल्लाएगा जरूर वो, क्योंकि ये उसकी आदत है। तो दोस्तों मेरा हमेशा कहना है कि आप
झूठ बोल के कुछ दिनों तक लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन झूठ बोल के बहुत ज्यादा दिनों तक आप बेवकूफ नहीं बना सकते, तो आपका जो करियर है वो लैप्स हो सकता है, क्लॉप्स हो सकता है। और जैसे सर ने बताया कि आज जितने भी ब्रांड उन्होंने नाम लिए, वाकई उन्होंने सही कहा कि जितने भी लोग आज ब्रांड बने हैं उनके पीछे यही है कि उन्होंने सच्चाई से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, और इसीलिए आज वो इस लेवल पे पहुंचे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि ये जो एक ट्रेनिंग आज हमने स्टार्ट किया है, ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका आज पहला सेशन था सनी जी के माध्यम से, और ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो था रॉन्ग सेलिंग एंड रॉन्ग कमिटमेंट। तो अब क्या होगा, आने वाले हर फ्राइडे को, यानी एवरी फ्राइडे 7 दिन में एक बार, अगले फ्राइडे को फिर हम एक नए टॉपिक के साथ एक नए लीडर को सुनेंगे। क्यों हम ऐसा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारी जो MCM लीडर है, हमारी जो MCM इंटर MCM है राजस्थान की, ये जो लोग है ये फील्ड के ऊपर, इनको इतना नॉलेज है फील्ड का, और ये नॉलेज हम चाहते हैं कि इनका जो नॉलेज है वो आप लोगों तक पहुंचे, आपकी इंटायर टीम तक पहुंचे। आज 150 है, अगले फ्राइडे को 300 लोग रहेंगे। अलग अलग जो टॉपिक हम इनको देने वाले हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं एवरी फ्राइडे को। एवरी फ्राइडे एक नया लीडर नए टॉपिक के साथ आएगा, ताकि हम ये चाहते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो नेटसर में ब्राइट बने, आपका जो प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए होता है बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हम जो कहते हैं वो नहीं करते, वो अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सर कतई मत कीजिए, अपनी गलतियों से सीखोगे तो बहुत लेट चलेगा। जो गलतियां हमने कर दी है वो हम बता रहे हैं कि ऐसा मत करो, ये दूसरों की गलतियों से सीख के अगर हम काम करते हैं तो हमारा जो जो सक्सेस है वो बहुत नजदीक आ जाता है, जल्दी आ जाता है। तो अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश मत कीजिए, हम लोगों ने गलतियां की है। ये जो आज सर कह रहे हैं ये क्या है, ये कोई ट्रेनिंग है? नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, ये उनका अनुभव है, और ये जो अनुभव है प्रैक्टिकल में उन्होंने वो शेयर किया है। ये कोई आपको सिखाने के लिए नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो जो तो करते नहीं है और आपको बता रहे, ऐसा नहीं है, उन्होंने किया है, ये प्रैक्टिकल है, और इस चीज लिए मैंने कहा उनको, उन्होंने इस चीज को जिया है इसलिए वो आपको बता रहे। तो आने वाले दिनों में, आने वाले हर 7 दिन में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा मॉड्यूल आपके लिए हम लोग लेके आएंगे, अलग अलग टॉपिक्स रहेगा, और ये एवरी वीक रहेगा, हर 7 दिन हर फ्राइडे को एक लीडर आएगा और एक टॉपिक के साथ बात करेंगे। तो विशिंग ऑल द बेस्ट एक बार सैनी जी, मैं बहुत बहुत मैं भी आज बड़ा बहुत सारी चीजें मुझे भी कुछ आपसे नई सीखने को मिली, और बाकी ये जो ट्रेनिंग है ये हर एक उस इंसान को जो नेटसअप में कुछ करियर करने के लिए आता है उस तक पहुंचनी चाहिए। हम पहुंचाते भी है लेकिन नॉर्मली, लेकिन ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, बट इस वर्चुअल ट्रेनिंग के माध्यम से, इस जूम का मैं धन्यवाद करूंगा जूम के माध्यम से, क्योंकि समटाइम क्या होता है, आज मेरे देखिए, आज मेरे यहाँ पे देखो, मैं गुजरात के, हमारे पास यहाँ लोग बैठे हैं, MP में लोग बैठे हैं, तो हमारा जो राजस्थान का MCM है, हम जो, मैं हूँ आशीष सर, हम लोग मिल के जो कमेटी है ये आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक डिजाइन करती है, और आने वाले दिनों में और भी अलग अलग टॉपिक हम आपको देने वाले। तो मैं इसी कड़ी के अंदर मैं आपको एक बार, मैं हमारे बीच में ना यहाँ पे इनवाइट करता हूँ आशीष राठौड़ सर, जो हमारे रीजनल मैनेजर है। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है, और आइए सर। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच। एंड सर मतलब आज जो ये टॉपिक सर ने दिया है, सर ने जो लिया है रॉन्ग कमिटमेंट एंड रॉन्ग सेलिंग, रियली मतलब कि मैंने कई सारे ऐसे केस मेरे सामने भी आए हैं जब उनकी टीमें टूटती हुई मैंने खुद ने देखी अपनी आंखों से, और उनके पीछे अधिकतर जो सन आज जो पॉइंट लिए हैं, अच्छी भली टीम चलती हुई रहती है लेकिन उस बीच में कई सारे लोग कुछ ना कुछ, या तो उनका लालच बोल दो या कुछ ज्यादा ओवर एक्सपर्ट और स्मार्ट बोल दो, उस वजह से आज उनकी टीम जो है चलती हुई खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर सभी ज्वाइंट लीडर्स है उन सभी को मैं एक यही वाली बात बोलना चाहूंगा कि देखो यार, यहाँ पर अभी भी लगभग 145 लोग हैं, लेकिन 145 लोगों ने से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कि सिर्फ एज ए मीटिंग समझ के इसको अंडरस्टैंड किया है, मतलब अंडर एस्टिमेट किया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि आज मीटिंग को ट्रेनिंग की तरह सुना है पूरा पूरा। और आज मैंने बहुत सारे लोगों को दिखा है कि कुछ लोग इस पूरी पूरी ट्रेनिंग को लिख रहे थे और सुन भी रहे थे, मतलब कि वो आज अपने टीम में इसको पूरा पूरा इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मेरा यहाँ पे ऐसा मानना है कि अगर ये 144 लोग अगर ऐसे हैं, अगर आप 144 लोग भी आज पूरी इस ट्रेनिंग को अपनी टीम के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो, तो राजस्थान में हमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और कल से, क्योंकि हम सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जो कि डुप्लीकेट बहुत जल्दी होता है इसके अंदर, तो हमें यहाँ पर ये चीज अपनी टीम में डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में
हम अपने टीम के ऊपर अच्छे से नजर रख सकें, हम अपनी टीम को अच्छे से संभाल सकें, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा टीम प्रॉपरली डिसिप्लिन होना चाहिए, और डिसिप्लिन तभी होगा जब प्रॉपर इन सिस्टम को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अगेन मैं रामनिवास सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, और क्योंकि अभी जो हमने ये सिस्टम लेके आए हैं तो ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। मैं अगेन आपसे बोलना चाहता हूँ कि सीरियसली अगर आप अपने अंदर बदलाव करना चाहते हो तो जैसे कि हम फ्राइडे की बात कर रहे हैं आपसे, हर फ्राइडे को हम कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक आपके बीच में लेके आएंगे जिससे कि आप अपने अंदर चेंज कर पाओगे, और इतना बड़ा चेंज कर पाओगे कि आज से आप 6 महीने बाद देखोगे तो आपकी टीम में आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्रॉपर आप सीरियसनेस को अपनाइए, सीरियसनेस मतलब कि अपनी टीम को लेकर, और यहाँ पर इसी तरह के लीडर आपके बीच में आते रहेंगे। अगेन रामनिवास जी के पास में जाना चाहूंगा। रामनिवास जी थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे ब्रांड एम्बेसडर जो आपने देखा होगा, एक मैनेजमेंट है और एक टीम से है। मुकेश सर के बारे में बोला कि आज 4.5 करोड़ रुपए इन्होंने लिए, तो अभी सर के मुंह से हमने सुना कि 4.5 करोड़ रुपए ऐसे नहीं आते। अभी आशीष सर को हमने सुना कि आशीष सर हमारे बीच में, मैंने बोला कि आपको थर्ड एम्पायर हमारे बीच में है, तो थर्ड एम्पायर हमारे बीच में है, कंपनी ने हमें हमारे ऊपर यहाँ पर हमारी टीम में क्या क्या और हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर सर को रखा हुआ है। तो ये क्या है कि नेटसअप का जो मैनेजमेंट है जिसको मैंने बोला कि 20 साल का स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैनेजमेंट जो अपने आप के अंदर एक ब्रांडिंग दर्शाता है। आप सब लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के कुछ ड्रीम है, कुछ सपने हैं, जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग दिखाया था, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा सुरक्षित हो, हम चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर हमारे एक वैल्यू, हमारे एक इमेज अच्छा हो, दोस्तों मैं आपको ये बोलूंगा और एक और बात बोलूंगा यहाँ पर कि अभी सारे यहाँ पर जो लोग हैं, हमें बार बार कंपनियां चेंज नहीं करनी पड़े, क्योंकि अभी इससे पहले हमने किसी में क्या सीखा है, वहां पर हमने क्या किया उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर नेटसअप में अगर हम लोग आए हैं तो नेटसअप को आप अगर करियर के रूप में बनाना चाहते हो तो जो अभी सर ने बोला कि हम हर फ्राइडे को ये प्रोग्राम रख रहे हैं, इनसे आप सीखिए। यहाँ पर आपको कोई ना कोई मैनेजर से एक लीडर आएगा यहाँ पर, और कोई आपको हर चीज पर, हर बात पर, हर टॉपिक पर आपको कुछ ना कुछ नई चीज सिखा दिया जाएगा। ये वही बातें होंगी जो हमारे साथ घटी, हमारे साथ हमने इसको फेस किया है। तो डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप इसके ऊपर पूरा अमल कीजिए, पूरा इसके ऊपर विचार कीजिए और अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग टीम बनाओ, मजबूत टीम बनाओ। और अगर आपकी टीम में कोई ऐसा गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से प्रोडक्ट को सेल करता है या गलत तरीके से अपना बिजनेस प्लान वहां पर दिखाता है, 100% आप उसको रोको। और अगर आप करते हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि आपका टीम आपको नीचे डुप्लीकेट कर रहा है, तो आपको कभी ऐसा करना नहीं है। लेकिन अभी टाइम हमारा लगभग हो चुका है, मैं आपको जाते जाते इतना बोलूंगा कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है, ऐसा कुछ होता है, तो आप अपनी टीम को, जैसे आज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर आज करीबन 150 लोग हम ज्वाइन थे, आप अपनी टीम को साथ लेके बढ़ो। जैसा भी अभी कभी ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, अपने जितने भी ज्वाइन लोग हैं आपकी टीम के, सबको उस मीटिंग में बैठाओ, बहुत अच्छा बेनिफिट उनको सीखने को यहाँ पे मिलेगा, उनको अच्छा लाभ इसका मिलेगा। जाते जाते मैं आपको पूरा, अभी हमारा टाइम जाना कि बहुत सवाल हो गए हैं, आपका ज्यादा टाइम लूंगा, लेकिन जाते जाते मैं केवल वापस, क्योंकि नेटसअप ने मुझे सिखाया है, नेटसअप ने मुझे दिया है, 2 लाइनों के साथ में पूरे सेशन को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। और ये मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, मुझे बड़ा एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूंगा। पहला हमारा साइकिल क्लोजिंग है, पहला उसका बेनिफिट लीजिए, और दूसरा जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस महीने के जितने भी प्रोजेक्ट आए, L1 है, L2 है, फास्ट ट्रैक है, तो कोशिश कीजिए कि जो आपका इतने दिनों से मुझे मालूम नहीं है, वैसे ना मैं चाहूंगा कि सारे लोग फास्ट ट्रैक का हिस्सा बने, और लेकिन अगर फास्ट ट्रैक नहीं हो पा रहा है तो कम से कम L1 और L2 तक तो आप जरूर पहुंचे सारे लीडर, ताकि ये जो नॉलेज आपको मिल रहा है उसका बेनिफिट हो, और आगे जाके भी हम आपको बहुत सारा नॉलेज देने वाले। ओके जी सर, तो कल हमारा साइकिल एंड, कल हमें साइकिल एंड करना है, लेकिन जो नेटसअप की जो सोच है, जो हमने सिखाया है, नेटसअप ने हमें सिखाया, जिसको हमने सीखा दोस्तों, मैं हमेशा, चाहे वो गेस्ट प्रोग्राम हो, चाहे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का कोई प्रोग्राम हो, हमेशा बोलता हूँ कि मेहनत और विश्वास के दम पर आगे बढ़ते जाना है, मेहनत और विश्वास के दम पर आगे बढ़ते जाना है, अरे दुनिया नाज करे हम पर, ऐसा कुछ कर दिखाना है, और नेटसअप के नाम को घर घर तक पहुंचाना दोस्तों, घर घर तक पहुंचाना है। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, बहुत ओके सर, थैंक यू।